हेलो एवरीवन, हाँ आप लोगों का इस चैट में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े से लोग और आ जाएं तो मैं आगे अपनी बात करना शुरू करूं। हाय तेजू बोरा, कैसे हो ब्रो? तो आज बहुत सारी आज बात की जाएगी क्योंकि मैं खुद पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ और कई वर्ष मैंने पिथौरागढ़ में गुजारे हैं और वहीं से मेरी पढ़ाई हुई थी। मैं कक्षा 4 में वहाँ आया था जम्मू से। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं खुद फौज में गया बाद में। बहुत सारी आज पिथौरागढ़ से जुड़ी हुई यादें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। पिथौरागढ़ की इतनी मीठी मीठी यादें हैं कि मैं क्या बताऊं। और मुझे लगता है कि अंततः जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो मैं पिथौरागढ़ की हरी भरी वादियों में रहने के लिए चला आऊँगा, किसी पहाड़ की टिकड़ी पर, चोटी पर रहा करूँगा। क्योंकि तब तो रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हर चीज़ इतनी इतनी खूबसूरत और इतनी हेल्थ से भरी हुई पिथौरागढ़ की मतलब बात ही क्या की जाए। तो आई मीन कि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं आज आपसे बातचीत फॉर्मली शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कल जो है वहाँ बारामूला सेक्टर में जो है पाकिस्तानी हमलावरों के पाकिस्तान से आए आतंकवादियों और वहाँ के लोग ने जो अक्सर जो फौजियों के ऊपर अटैक करते हैं उसमें तो लड़ते हुए दो हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो गए। तो सबसे पहले हम दोनों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सैनिकों को हम बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 21 कुमाऊं रेजिमेंट के गंगोली हाट के वाली नाली गांव के शंकर सिंह और मुंशारी ब्लॉक के नापुर गांव के गोकर्ण सिंह, ये दोनों बहादुर सैनिक शहीद हुए। आज सबसे पहले हम इन्हें प्रणाम करते हैं। उत्तराखंड की ओर से न जाने उनको गिना नहीं जा सकता कितने सैनिकों ने अपनी जान देश के लिए बलिदान में दी। देवभूमि से आई मीन कि जिस तरह से हमारे जवान कोई भी सैनिकों को लेके हमला होता है या कुछ भी बड़ी घटना घटती है तो उत्तराखंड का कोई ना कोई जवान का नाम आ ही जाता है। ये बहुत एक तरफ जहाँ ये बहुत फक्र की बात है, दूसरी तरफ हम बहुत दुख की बात है कि हमें अपने यंग नौजवान साथियों को इस तरह खोना पड़ता है। दो और हमारे जवान जो हैं वो घायल हैं इस वक्त। पिथौरागढ़ के नायक प्रदीप कुमार और बागेश्वर के नारायण सिंह, तो हम उनकी जल्दी ही स्वस्थ होने की शुभकामनाएं करते हैं। मेरी बहुत ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों सैनिक हमारे उनको बहुत कम चोट लगी हो। ये हमें इतना मालूम नहीं है कि कितनी गहरी चोट लगी है, लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों ही नौजवानों को, दोनों सैनिकों को जल्द से जल्द वो ठीक करें। इससे पहले कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा पूरा पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर से हमें लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। अचानक से हमने ये पाया है कि एक ऐसा महकमा है जिन अस्पतालों और डॉक्टरों और नर्सेस के बारे में हम लोग बहुत ही नकारात्मक ख्याल रखते थे, अचानक हमने ये पाया है कि वो सेवियर बन के वो बचाने वाले बन के आए हैं। तो पिथौरागढ़ में भी सुनने को मुझे कहानियाँ मिल रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स के जरिए मालूम चल रहा है कि वहाँ अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सेस
और अस्पतालों का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर रहा है, दिन रात वो लोग रोगियों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस महकमे के लोग, सरकारी महकमे के लोग बहुत जुनून के साथ वहाँ काम किया जा रहा है, शहर को जितना कोरोना से बचाए रख सके उतनी कोशिश हो रही है, और बहुत बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त की है। बहुत कम केसेस एज कम्पेयर टू यू नो अदर सिटीज़ हमको वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं उनको, वो हमारे असली योद्धा हैं, यू नो हमारे सेवियर्स हैं, वो हमारे असली हीरो हैं। आज हमने आज हमारे इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने उन सभी योद्धाओं को सैल्यूट किया है, जिन योद्धाओं ने, जो योद्धा जो हैं वो असली लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ की कोरोना वायरस से बिना डरे दिन रात वो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, उनको इलाज कर रहे हैं। ये अपने में बहुत बहादुरी का काम है, यू नो कि क्योंकि उनको पता है कि वायरस किसी भी बहुत तेज़ी से फैलता है, तो कई बार ये हवा के रास्ते भी बहुत नज़दीक अगर डिस्टेंस बनाओ तो भी फैलता है। उसके बावजूद ये लोग निडर होकर अपनी जान जोखिम में रख के ये लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो आई रियली हैट्स ऑफ टू देम। पिथौरागढ़ से ऐसी खबरें मिल रही कि लोग बहुत जी जान से इसमें जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो है अभी चूँकि कोरोना महामारी के चलते वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक गतिविधियां बंद हो गई हैं लगभग, यू नो सारा अटेंशन क्या है कि इस वक्त रोगियों को ठीक करने का, जो लोग बीमार पड़े हैं उनको ठीक करने का, और महामारी को फैलने नहीं देने की ओर सबका ध्यान है। सारी सरकारें उसके पीछे पड़ी लगी हुई हैं, कोई हवाई यात्राएं बंद हैं, कंपनियां सारी बंद हैं, बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियां जो हैं वो बिकॉज कि उनके पास फंड्स नहीं है, उस चक्कर में वो दिवालिया उनका निकल रहा है, सारे काम रोजगार खत्म हो गए हैं, तनख्वाहें काटी जा रही है, हमारे खुद की मेरी अपनी कुछ परसेंटेज तनख्वाह काट दी गई, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो उससे प्रभावित नहीं है। तो ऐसे मौके पर जो है मैं ये चाहता हूँ इस बारे में अपने पिथौरागढ़ के नौजवानों से कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। यू नो कुछ बातें आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं थोड़ी मोटिवेशनल वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको असल में सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरा जो जीवन का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो कोई भी टफ सिचुएशन जो है हमेशा, ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ कई बार हुआ है, कि टफ सिचुएशन जो है हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। यू नो क्या होता है कि जीवन में हर कदम पे हमारे सामने कुछ ना कुछ टफ सिचुएशन रहती है। गिलास हमारा जो है ना आधा भरा हुआ जो गिलास होता है, आधा पानी अगर गिलास में हो तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन कैसा जिएंगे। मैंने हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखा है, मैंने कभी उसको आधा खाली नहीं देखा। निसंदेह लोगों को तकलीफ हो रही है, नौकरी से निकाला जा रहा है, कहाँ कहाँ से हमारे पहाड़ के पिथौरागढ़ के लड़के निकल के वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग तो या रास्तों में फंसे हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर ये मिल रही है कि धीरे धीरे सब सब लोग वापस पहुंच रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको अभी तो ये लग रहा होगा कि जैसे कि एक ऐसा संकट उनके सिर पे आ गया है जिसका कोई 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 उपाय नहीं है, कोई उनको रास्ता नहीं सूझ रहा होगा, लेकिन क्या है कि 1 या 2 महीने के बाद वही लोग रियलाइज़ करेंगे कि जब यू नो जब मुसीबत टूटती है तो हमारा दिमाग फिर चलना शुरू होता है। तब तक तो दिमाग बंद रहता है क्योंकि सब कुछ है, नौकरी चल रही है आराम से, हमको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब नौकरी नहीं रहती, जब मुसीबतें सर पे टूटती हैं, तब हम सोचना शुरू करते हैं, तब हम सर्वाइवल मोड पे आते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, तब दिमाग में आइडियाज आने शुरू होते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी को जानता हूँ जिन्होंने असल में मुसीबत आने के बाद ही बड़ा काम किया। जब तक चीज़ें बहुत आराम से चल रही थी तब तक चल रही थी, लेकिन जब मुसीबत आई उनके तब उन्होंने दिमाग में ऐसे आइडियाज आए और उन आइडियाज के पीछे गए और उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। और जब आप अपनी किस्मत बदलते हो तो एक बात याद रखना, जब आप अपनी किस्मत बदलते हो तो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलते, तो आप अपने सारे जानने वालों की किस्मत भी बदलते हो, है ना। तो ये समय है किस्मत बदलने का, इसको इस रूप में भी आप देख सकते हो। 1-2 महीना जीवन जो है बहुत लंबा है, 80-90 साल का जीवन है। आजकल लोग 80-80-90-90 साल तक पूरा काम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
तो बहुत लंबा जीवन है, उसमें 2-3 महीने अगर निकाल भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, यू नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2-3 महीनों के लिए मेंटली आपको यू नीड टू बी रेडी टफ, मेंटली मजबूत बनना है जो। और पहाड़ के लोग तो वैसे भी मानसिक रूप से बहुत कठोर होते हैं, मैं खुद कठोर हूँ, क्योंकि विषम स्थितियों से गुजर के जहाँ भी पहुँचा हूँ वहाँ मैं वैसी स्थितियों से निकल के पहुँचा हूँ। संघर्ष हमने भी अपने जीवन में बहुत किए, तो ये संघर्ष करने का टाइम है, ये आराम से बैठने का टाइम नहीं है। तो जितने लोगों का रोजगार पे कुछ फर्क पड़ा है, मैं उनको उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो हिम्मत ना हारें, बल्कि दिमाग लगाना शुरू करें, कुछ नए नए तरीके सोचें क्या हो सकते हैं। मेरी आज जगजीवन कन्याल जी से बात हो रही थी, वो भी उत्तराखंड के साथी है, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पिथौरागढ़ के जो बैंक हैं वे बैंक ऐसा बताते हैं कि भाई यहाँ से जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो लोग, चाहे वो कारपेंटर का काम करते हों, चाहे वो मैकेनिक का काम करते हों, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का काम करते हों, यू नो, कुछ भी ऐसे जितने भी इस तरह के काम होते हैं वो काम करते हुए अपने घरों में 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने मनी ऑर्डर करते हैं, पैसा भेजते हैं, मनी ऑर्डर नहीं करते, मनी ऑर्डर का समय चला गया, ट्रांसफ़र करते हैं, बट बैंक वालों का एक हिसाब रहता है कि कौन कितने पैसे कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग 25 से 30 हज़ार रुपया अपने अपने घरों को भेजते हैं। तो फिर जो लोग बाहर जाके अगर 25-30 हज़ार रुपये के लिए वो उतनी हसीन सुंदर वादियों को छोड़ के, उतने प्रकृति को छोड़ के अगर वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि एक बार दिमाग लगाएं, क्या थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या ऐसा हो सकता है कि वो वहीं पे थोड़ा घर में रहने और जितना 25-30 हज़ार वहाँ कमा रहे थे उतना वहाँ भी कमा सके। पैसे कमाने के तरीके हजार हैं, 2-3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक तो पहले आइडिया अच्छा होना चाहिए, दूसरा कि आप मेहनत करने को क्या तैयार हो, क्योंकि बिना देखो परिश्रम मेहनत जो है वो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप उसका कोई, आप सोचो कि कोई शॉर्टकट मार लो, मेहनत ना करूँ और पैसा भी कमा लो, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो 25 से 30 हज़ार रुपया पिथौरागढ़ में रहते हुए भी कमाने का जुगाड़ कर सकते हैं। जब मैं पिथौरागढ़ में था तो मुझे याद है कि हम 12वीं में जब थे तो उन दिनों वहाँ पर ना एक चिकन की शॉप मार्केट में खुली, और जिन भाई ने, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, यू नो, बहुत पढ़े लिखे, MA किया हुआ और बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने एक सिर्फ चिकन की दुकान खोली और चिकन जो है वो अपना फ्रीजर में रखते थे। तो वो दुकान जो है काफ़ी मतलब चल पड़ी, मतलब अब देखिए चिकन की दुकान खोल के भी लोगों ने पैसा कमाया। आप बाज़ार निकल जाइए तो आपको ऐसे ऐसे बिजनेस देखने को मिलेंगे, यू नो, कि और वो सारे बिजनेस जो हैं नए नए तरीके के बिजनेस निकल रहे हैं, नए नए तरह के आइडियाज़ लोगों को आ रहे हैं। तो आप भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, ये मौका ऐसा है कि जहाँ कुछ नई चीज़ ट्राई की जाए। अगर हार गए, अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं आप, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब इट इज़ यूजलेस। ऐसी भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि आज हमारे चूँकि मैं अखबार में हूँ इसलिए खबरों से मेरा रोज़ साबका होता है, आज ही मुझे बता रहा था कि 19 साल के या 20 साल के युवक ने सिर पिछले सुसाइड कर लिया कि उसकी उसने माँ से कहा कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। अरे सो व्हाट, लाइफ में पैसा ही थोड़ी सब कुछ है, पैसा तो कभी भी आप कमा सकते हैं। आप अपने दिमाग को साथ कीजिए, अपनी हेल्थ बनाइए, मेंटल हेल्थ बनाइए, फिजिकल हेल्थ बनाइए। पैसा तो अगर आप, मैं कुछ आपको अभी आगे मैं बताऊँगा, कुछ आइडियाज़ दूँगा, आप अगर उनको उनके पीछे चलना शुरू कर दिया आपने, आप 2 महीने में आप अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं। 2 महीने में आप जितना, मतलब जिस तरह से आप पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। कुछ मैं आपको सेहत के सूत्र बताना चाहता हूँ, तो उसमें वो लेकिन कुछ देर के बाद। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी सोशल मीडिया में अफवाहें फैल रही हैं, बहुत गलत गलत सूचनाएं हैं। पिछले दिनों मुंबई में ऐसी खबर फैल गई कि यहाँ से बसें जा रही हैं, ट्रेन जा रही हैं, तो सारे मजदूर लोग जो हैं वो एक जगह स्टेशन के आगे इकट्ठा हो गए। यू नो, कोरोना वायरस से हमको पता है कि 1.5 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखनी है, लोगों से दूर रहना है, ये वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है। तो बहुत बांद्रा में बहुत सारे लोग जमा हो गए, इतनी भीड़ सामान्य दिनों में भी नहीं रहती, उतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी ने वो अफवाह फैला दी थी। तो जो अफवाह वाली खबरें हैं, अफवाह वाली जो बातें हैं, उन पर यकीन नहीं करना है। पिथौरागढ़ का जो ग्रुप जो टीम चला रही है,
मैं उनको भी पहली बात तो उनको इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ के यंग लोगों से बातचीत करने का आज मौका दिया। दूसरा, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी खुद एज अ वॉलंटियर यू नो पुलिस पिथौरागढ़ पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। उनकी इस टीम के 41 लोग हैं, यू नो 41 लोग वॉलंटियर होके स्पेशल ड्यूटी, क्योंकि इस वक्त जो है जितनी मैन पावर लोगों को चाहिए वो कम पड़ रही है, अधिक से अधिक लोग काम करने के लिए चाहिए। ज़्यादातर लोग घरों में बैठे हैं, निकल नहीं रहे, एक डर भी है लोगों में, सिर्फ बहादुर लोग ही बाहर निकल रहे हैं और कुछ मूर्ख लोग भी निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहादुर भी निकल रहे हैं, मूर्ख भी निकल रहे हैं। तो लेकिन जिनकी जिनको बहुत ज़रूरी नहीं है वो लोग तो नहीं निकले, तो वो अच्छी बात है। यू नो अगर आपको कोई काम नहीं है आप कुछ दिनों के लिए घर पे ही रहें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस टीम को भी इनकी दाद देना चाहता हूँ, पिथौरागढ़ जो जिन्होंने ये फेसबुक का पेज जिनका है, उनकी 41 लोग काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, और ऐसे ही हमको काम करने वाले लोग चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी नवभारत टाइम्स मुंबई में का संपादक हूँ। यहाँ पर पिछले 10-12 साल से, 2010 में मुंबई आया था, 1997 से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं इंडियन आर्मी में था, कोर ऑफ रेजिमेंट्स में था, मैं पिथौरागढ़ से, मैं कक्षा 4 में पिथौरागढ़ में आ गया था जब मैं ठुलीगढ़ में रहता था, और वहाँ पर सेंट्रल स्कूल में मैंने पढ़ाई की 4th से लेकर 7th तक। 7th के बाद मैं राजस्थान चला गया, मेरे पिताजी फ़ौज में थे, कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, उन्होंने जल्दी फ़ौज छोड़ दी, उसके बाद वो पैरामिलिट्री में चले गए, CISF में काम करते थे। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, BSc किया, बैचलर ऑफ साइंस पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज से। 12th तक मैंने पढ़ाई GIC इंटर कॉलेज से किया, और मैं ठुलीगाड़ में रहा, उसके अलावा मैं बाजार में रहा, टकाना रोड में रहा मैं, और सतगुरु निवास कॉलेज के बगल में रहा। वहाँ से निकलने के बाद उस साल हम एक साथ 3 लोग इंडियन आर्मी में गए थे पिथौरागढ़ में। हमारे पिथौरागढ़ से मेरे ही जानने वाले थे, 2 लोग मेरे सीनियर थे, जो प्रेमा सेन मैम मैडम हैं, जो कि पिथौरागढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुकी है शायद, उनके बेटे संदीप सेन, कर्नल संदीप सेन, जिनके बारे में आपको पता है कि उन्होंने कैसे मुंबई में नरीमन हाउस पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 का, उस वक्त सारी की सारा जो ऑपरेशन था वो कमांडो संदीप सेन, कर्नल संदीप सेन ने ऑपरेट किया था। ही वॉज द लीडर ऑफ यू नो नरीमन हाउस में जो आतंकियों ने कैप्चर किया था उसमें। इनफैक्ट यू नो आपको याद हो तो वो ऊपर से हेलीकॉप्टर आए थे और हमारे कमांडोज छत के रास्ते गए थे, ऊपर से नीचे आए थे, यू नो तीसरे माले पर आतंकवादी छुपे हुए थे। तो ये जो आइडिया था ये खुद कर्नल संदीप सेन, कमांडो संदीप सेन का था कि हमको ऑपरेशन ऐसे करना चाहिए, एंड इट वॉज अ ह्यूजली सक्सेसफुल ऑपरेशन। मतलब आई मीन कि हैट्स ऑफ टू संदीप, नो संदीप और मैं, हम एक साथ ट्रेनिंग किया। एक तीसरा जो था वो कर्नल दीपक उप्रेती, अभी वो मेरठ में उनकी शायद लास्ट पोस्टिंग आने वाली है। 3 लोग हम लोग GIC पिथौरागढ़ से निकले थे और एक ही बैच में थे, एक साथ हमने ट्रेनिंग की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से। तो फौज में मैं गया बिकॉज मेरे पिताजी आर्मी में थे और वो एक ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन ऑफिसर बन नहीं पाए, तो उनकी इच्छा थी बनने की, तो चूंकि वो नहीं बन पाए इसलिए मेरे मन में बहुत वो था कि मैं, पिताजी नहीं बन पाए तो मैं बन के दिखाऊँगा, और इसलिए मैं गया। लेकिन मेरे मन में कीड़ा जो था वो पत्रकार बनने का था। पिथौरागढ़ में बद्रीदत्त कसनियाल जी को आप सभी लोग जानते हैं, उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत छोटी उम्र से पत्रकारिता और लेखन की ओर मेरा रुझान हो गया, मैं कविताएं लिखता था, मेरी 2 किताबें आई हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में वो मेरे एक उपन्यास पत्थर पर धू राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, उसमें पूरी मैंने कहानी लिखी हुई है। तो मैं 1991 में मैंने BSc पास आउट किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया जर्नलिज्म में। मैं हालांकि नवभारत टाइम्स मुंबई का संपादक हूँ,
तो यानी कि आप अगर किसी चीज़ को जुनून के साथ चाहते हैं तो आपको उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन लें, आप आपका जुनून ही आपको सफलता दिलवा सकता है। तो अभी कोई भी आप लोग जो हैं अगर जुनून के साथ काम करें, कुछ भी काम करें, उसमें दीवानगी होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। यू नो यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो बिजनेस में आप पागलपन हो, दुकान में जाके सो जाए बंदा, घर न जाए, बोले कि पिताजी मैं 3 महीने तक जब तक दुकान नहीं चलती मैं दुकान में जाके सोऊंगा। यू नो इस तरह का जुनून चाहिए। आप किसी चीज़ का नाम लीजिए, कोई भी काम शुरू कीजिए, हर काम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद को सफल होने से आप खुद ही रोकते हैं। यू नो क्यों रोकते हैं? आपको पता है, आप पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि क्या आपने 100% दिया। हम अगर किसी काम में 100% देते हैं तो कोई मजा ले नहीं है कि मतलब उसमें हमको सफलता ना मिले। यू नो एक और मैं बात बताना चाहूँगा, उन्मुख चंद जो है वो मेरा भतीजा है। फर्स्ट छोड़ने के बाद मैंने उस पर क्रिकेट पे काम करना शुरू किया और बहुत सफलता के नज़दीक पहुँच के वो वहीं अटका हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शुभकामनाएं दें, जल्दी वो इंडियन टीम में आए। तो हम सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि एक सेहत के मैं 7 सूत्र मैंने बनाए हुए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से मैंने यूट्यूब में एक अपना चैनल शुरू किया है, उस चैनल का नाम है माइंड फिट, MIND माइंड FIT फिट। माइंड फिट में मैं ऐसे मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोज़ बना के डालता हूँ, तो वो आप अगर देखेंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बिकॉज मैं बहुत मन से काम करता हूँ उसमें, जिस जुनून की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस जुनून से ही मैं वो काम करता हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको देखने ही चाहिए। तो मैं आज आपको बहुत ब्रीफ में सफलता के 7 सूत्र बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, फिटनेस से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, आप मोटिवेशन लाइफ की प्रॉब्लम्स से लेकर सवाल पूछ सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पर अध्यात्म के ऊपर कोई सवाल पूछ सकते हैं, पत्रकारिता पर सवाल पूछ सकते हैं, फौज में अगर अफसर बनना चाहते तो उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि मैं रह के आ चुका हूँ। जिस काम को आप कर लो तो आप उसके उसकी इंटीग्रिटीज मतलब वो किस उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रहती है, वो मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से पूछूँगा, आप सवाल पूछिएगा। तो ये बहुत सारे बिशन लोवियाल साहब, नमस्कार भाई, नमस्कार। और कौन कौन है? महेश चंद, ओके। देवराज जी तो मुंबई के हैं हमारे भाई साहब, नमस्कार। गिरीश चंद्र अवस्थी, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को सेहत के 7 सूत्र देना चाहता हूँ। पहला सूत्र है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर नहाओ, रूप बुद्धि धन सब पाओ। अभी आप जो भी मैं आप लोगों को सेहत के सूत्र दूंगा तो आप ये हमेशा ये याद रखिएगा कि सारे के सारे मैं निजी रूप से व्यक्तिगत रूप से उनको फॉलो करता हूँ। जो चीज़ मैं खुद से नहीं करता वो चीज़ मैं दूसरों को करने को नहीं कहता। तो क्योंकि जब तक मेरे को उस काम को करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक मैंने नहीं जाना कि वो काम को करना कितना आसान है या उसको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तब तक मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाओ बोले तो इस बात को आप कहीं पर लिख लो, अगर आपने ऐसा करना शुरू किया जो लाइफ में चाहिए, आप कुछ मत करो, कुछ काम मत करो, नौकरी मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ एक काम करो कि आप 4 से 5 बजे के बीच में सुबह उठ जाओ। अब उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना उसको उसके बारे में चिंता मत करो, बस तुम उठना शुरू करो। ये उठने में बहुत दिक्कत होती है, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ उठना कैसे है। यू नो पहले क्या होता था कि मैं मैराथन दौड़ता हूँ तो लंबी लंबी रेस दौड़ने जाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। यू नो 4 बजे 3:30 बजे उठ गए, यहाँ से मैं बरेन ड्राइव जाता हूँ 40 किलोमीटर दूर, तो वहाँ अंधेरे में रनिंग शुरू हो जाती है, तो हमको 36 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो 36 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 3 घंटा दौड़ना, 3 सवा 3 घंटा दौड़ना पड़ता है। तो मुँह अंधेरे 4:30 बजे भी निकलना पड़ता है, तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ता था। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्या कई बार क्या होता था कि मोबाइल मैंने रखा है, अलार्म लगा दिया मैंने 3:30 बजे का रखा है, लेकिन शरीर में इतनी थकावट है कि जब वो अलार्म बजता था तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा हाथ वहाँ चला जाएगा और मैं बंद करूँ। आजकल तो वो स्नूज का बटन आया हुआ ना,
वो 5 उसमें मैंने डाल रखा था कि हर 10 मिनट के बाद अलार्म फिर से बजेगा। तो जैसे जैसे वो अलार्म बजा तो उठने के बजाय मैं फटाक से ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि बंद कर दूँ, वो बॉडी अपने आप करती थी। अब आप तो नींद में, आधी नींद में, आप तो उठे नहीं हैं, तो अपने आप हाथ जाएगा और वो स्नूज का बटन दबा देगा। अच्छा 10 मिनट के बाद फिर से बजेगा ना, फिर से आपने वो बटन दबा दिया, आपके सबकॉन्शियस, क्योंकि आप पूरे उठे नहीं हो, चेतन आपका जो चेतन माइंड है वो भी सोया ही हुआ है, वो हल्का सा थोड़ा सा जागा हुआ है। तो आप बार 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 वही करते जाओ करते जाओ, पता चला कि 4 बजे 3:30 बजे का अलार्म है और 5 बजे आप उठ रहे हो। तब तक तो गाड़ी निकल चुकी होती थी। जो लोग यहाँ से जाते थे, कई बार हम दूसरों की कार में बैठ के जाता था, तो वो तो आपका रनिंग मिस हो गया। तो फिर इसका उपाय मैंने ये निकाला, इसका मैंने अपने माइंड फिट, जो मेरा यूट्यूब चैनल है माइंड फिट, उसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जो लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसका उपाय ये निकाला कि मोबाइल पे मैंने अलार्म लगाया और सोने से ठीक सोने से पहले उसको 10 कदम दूर मैंने रख दिया, ठीक है। अब वो फुल आवाज़ में अलार्म लगा रखा है, सुबह जैसी 3:30 बजा वैसी अलार्म बजा। अब हाथ में लग गया तो वहाँ मोबाइल नहीं, तो मैंने रात को सोने से पहले सोच के सोया कि जब मैं मोबाइल को अलार्म जब बजेगा, जब मैं उठाने जाऊँगा तो वापस बिस्तर पर नहीं आऊँगा, वहाँ से सीधे मैं बाथरूम में चला जाऊँगा। और मैंने क्या करना शुरू किया, मोबाइल से अलार्म बंद किया और सीधे बाथरूम में जाके तुरंत शावर के नीचे खड़ा हो गया। भाई साहब 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले वो दिन और आज का दिन, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन जितने बजे का अलार्म लगाया उतने बजे ना उठा हो, और एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने अब सुबह उठते ही नहाया ना हो। और 2 महीने में मेरा जीवन तो बदल गया है। मतलब आपको मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ क्या शक्तियाँ महसूस करता हूँ, कितनी पावर आ गई है, शब्दों में बता नहीं सकता। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके भीतर सब भरा हुआ है। हमारे अंदर इतनी अकूत पावर है, इतनी शक्तियाँ हमारे भीतर छिपी हुई हैं। मैंने तो अपना आधा जीवन ऐसे निकाल दिया, पहाड़ में बहुत गंदी गंदी आदतें पड़ जाती हैं, यू नो वो क्या बोलते हैं, वो खैने खाने लग गया था, सिगरेट पीने लग गया था, शराब भी मैंने आर्मी में जाके बहुत पी, बाद में लेखक बन गया तो शराब को पीना जो है वो अपना ऐसा बड़ी शान समझते थे कि 2 पैग रोज वो लोगों के पीने ही पीने हैं पक्का, यू नो। लेकिन ऐसे बहुत समय ख़राब किया, किसी ने बताया नहीं आपको, तो मैं बता रहा हूँ, कम से कम बता तो रहा हूँ आपको, मुझे किसी ने बताया भी नहीं भाई करना क्या है, जो किया खुद ही एक्सपेरिमेंट करके किया। तो सुबह आप उठना शुरू कीजिए, इस तरह जो मैंने तरीका बताया उस तरह उठिए। हमारे जितने भी वेद हैं, वेदों में ये सब लिखा हुआ है, वहाँ श्लोक भरे हुए हैं, सारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस वक्त उठने से क्यों फायदे होते हैं। एक तो आपको वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि सुबह ऑक्सीजन का लेवल 60% ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और सुबह क्या होता है कि जो जनरली जो विचार तरंगें होती हैं, लोग सब सोए होते हैं तो उनके दिमाग भी सोए हुए हैं, तो उनके दिमाग से जो थॉट वेव्स हैं, विचार तरंगें, वो निकल नहीं रही, ठीक है, तो माहौल बहुत शांत होता है। आजकल मैं सुबह उठ के लिखता हूँ, लिखने का काम करता हूँ, जो काम लिखने का मैं 1 घंटे में करता था वो काम मैं 15 मिनट में कर लेता हूँ, क्योंकि इतना शांत माहौल होता है, माइंड इतना सुपर काम करता है। और जो मैं आपको बिजनेस के आइडिया बोल रहा हूँ, काम करने के आइडिया बोल रहा हूँ, आप लोग मुझसे खुद शेयर करेंगे, 1 महीने बाद दोबारा से मैं फेसबुक लाइव रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा से करवाए, आप लोगों से मैं फीडबैक लूँगा। आप में से जितने लोगों ने कल से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया, 1 महीने के अंदर अंदर उनको इतने आइडियाज आएंगे सुबह के टाइम पर कि यार मैं ये काम शुरू कर लेता हूँ, मैं ये काम शुरू कर लेता हूँ, ये वाला काम तो पिथौरागढ़ में आज तक शुरू नहीं हुआ, कुछ नहीं, किसी ने किया नहीं, ये धंधा शुरू कर देता हूँ, बैंक से थोड़ा सा लोन लेके ये काम शुरू कर देता हूँ, इतने आइडिया आएंगे और उनमें से आप बेस्ट आइडिया छांटिए और काम शुरू कर दीजिए। आप वहाँ 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे थे, बताओ, अरे आप तो भैया 25 लाख रुपये कमा सकते हो, आपको अपनी पावर पता ही नहीं है, हम कम में सेटिस्फाई जाते हैं, क्यों नहीं 25 लाख रुपये क्यों नहीं कमा सकते, कमा सकते हो। आप सोचना तो शुरू करो उसके बारे में, उसके लिए कुछ करना तो शुरू करो, ऐसे कंबल ओढ़ के सोए रहोगे तो थोड़ी काम होता है, कुछ करना पड़ेगा ना आपको। तो एक काम करो कि सुबह 4 बजे उठना शुरू करो। अच्छा सुबह 4 बजे उठने की दिक्कत क्या है कि रात को आप 12-12 बजे तक फेसबुक में और व्हाट्सएप चैट में और ये और वो, पता नहीं कुछ गाने सुन लिए, कभी पहाड़ का गाना सुन लिया, कभी ये सुन लिया, कभी वो सुन लिया, उसमें अगर टाइम वेस्ट करना तो ठीक है, सारी ज़िंदगी आप ज़िंदगी से खेलोगे तो ज़िंदगी आपसे खेलेगी, सीधी सी बात, आप जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा।
आप अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, थोड़ा अनुशासन में रहोगे, जीवन के प्रति जिम्मेदारी दिखाओगे, अपने प्रति जिम्मेदारी दिखाओगे, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी दिखाओगे, अपने चाहने वालों के प्रति जिम्मेदारी दिखाओगे, बदले में आपको सब कुछ बढ़िया से मिलेगा। नहीं दिखाओगे, अब आप जब जिन दिनों पढ़ाई कर रहे थे आप, उन दिनों अगर ठीक से पढ़ा होता तो अभी होता ना कहीं IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कहीं हमारे यहाँ से पढ़ के लड़के विदेशों में जाके बैठे हैं। मेरे साथ जो प्रवीर पुनेरा, भुवनचंद पांडे, ये मेरे क्लासमेट्स हैं 10th के, यू नो, ये सब लोग अभी प्रवीर पुनेरा वहाँ कैलिफोर्निया में उसकी अपनी कंप्यूटर की अपनी उसकी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर की कंपनी उसने खोल रखी है। भुवन पांडे NTPC में है, काम कर रहा है। आशुतोष वहाँ बैठा हुआ है, आशुतोष जोशी। अभी मैं अमेरिका गया था अपने बेटी को छोड़ने, तो आशुतोष के घर में रुका, तो बहुत ही गजब की फैमिली है हल्द्वानी की, उसकी वाइफ है बहुत, उन्होंने इतना पहाड़ी खाना खिलाया, जो उसने मेरी आवभगत की, जो सेवा की, जो उसने मेरे को गाड़ी में बैठा बैठा के घुमाया, मतलब पहाड़ के लोग दिल के भी इतने अच्छे होते हैं, मतलब किसी देसी से आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। वो अपनी छुट्टी लेके भी मेरे को घुमाने में लगा रहा। तो ऐसे ऐसे दोस्त पहाड़ के लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सुबह जब आप उठना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे आपको, ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे, 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ चेंज 100% गारंटी से, मैं लिखवा के ले लो। मतलब आप मेरे को, आप अलग मेरा फ़ोन नंबर इनसे मांग लेना, पिथौरागढ़ वालों से, मेरे को फ़ोन करके बोल देना कि सर आपने जो बोला था झूठ बोला था, मैं सजा लेने को तैयार हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को, मतलब जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर। लेकिन आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। देखो, आप सबको धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा दे सकते हो क्या? खुद को धोखा नहीं दे सकते, खुद को धोखा मत देना कभी। बाकी सबको दे दो धोखा, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपने अपनी नज़र में गिर गया, अपने को धोखा दिया, तो उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो पहला सूत्र मेरा, पहले ही सूत्र में अटक गया, क्योंकि यही एक अकेला ही ऐसा सूत्र है जिस पर अगर हम काम करें तो फिर बात ही क्या है। दूसरा सूत्र वैसे ये सुपर सेहत के सूत्र हैं। सुपर सेहत का मतलब सुपर लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े CEOs, यू नो, वो लोग का जैसे जीवन है, आपका भी जीवन हो सकता है। किसी ने रोका है क्या? दुनिया में जन्म लेने के बाद कुछ भी बनने के लिए किसी ने हमको रोका नहीं है, यू नो। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, यू नो, उसके पिताजी जूते बनाते थे, वहाँ से निकल के वो अगर राष्ट्रपति बन सकता है, हैं? मैंने पिछले बार जब मैं फेसबुक लाइव कर रहा था, मैंने इवन अंबानी, धीरू भाई अंबानी का जिक्र किया था। ये ग्रुपिया लेके घर से निकले थे, आज अंबानियों ने कैसा परिवार बना लिया, हा? तो आपको जो है उस तरह का जो आप करना चाहते हो इस संसार में किसी ने आपको रोका नहीं है। आप चाहें तो गौतम बुद्ध की तरह आप इनलाइटनमेंट पा सकते हो, आप उतना ज्ञान पा सकते हो, किसी ने रोका क्या? आपकी मर्जी है, आपको करना है। आपको लगेगा कि यार मैं तो गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं तो कहाँ पिथौरागढ़ में पैदा हुआ हूँ, कहीं भी पैदा हो, ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं संसार में सफलता की, लोग कहाँ कहाँ पैदा हुए, कोलंबस कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ चला गया, वो कब? थोड़ा जोखिम तो लेना पड़ेगा, ये जीवन तो होना चाहिए कुछ करने का। तो दूसरा जो सूत्र है वो है घंटे भर बहाव पसीना सीख लो खुश होकर। अभी सारा काम जीत जिंदगी में हम सब खुश होना चाहते हैं, तो खुश कैसे हों, खुश होने की क्या तरीके हैं? तो खुश होने का भास्कर उप्रेती, ओके, तो खुश होने के क्या तरीके हैं? खुश होने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन में पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन घर पर मैं जो वर्कआउट करता हूँ वो मैं पहले बाहर नहीं करता। मैंने पहले 21 दिन का चैलेंज लिया, 21 सूर्य नमस्कार रोज किए, मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है वो 28 माले की बिल्डिंग है, आज भी मैंने उसको 5 बार ऊपर नीचे किया, यू नो, 28 माले ऊपर नीचे, और इतनी गर्मी बहुत हो गई यहाँ पर। इसके अलावा मैं 60 पुशअप, कम से कम मिनिमम 60 पुशअप डेली करता हूँ। एप्स और कोर का वर्कआउट मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पर डाला था, 7 मिनट का नॉन स्टॉप एप्स एंड कोर वर्कआउट, जिसमें एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आग जल गया हो, मतलब यू नो पेट की मसल्स हैं वो जल गई हो, ऐसी फीलिंग आती है, आपको रुकना नहीं है। 7 मिनट का करता हूँ लेकिन वो 10 मिनट जाता है कम से कम।
कुछ दिनों में ऐप्स अभी झांकने लग गए, कुछ दिनों में निकल आएंगे बाहर, तो आप करेंगे? 4 बजे उठ जाता हूँ, मुझे लगता है कि दिन जो है मेरे लिए 28-30 घंटे का दिन लगता है अभी आजकल। ऑफिस जाना नहीं पड़ता, घर से काम करना पड़ता है, तो सब आपके ऊपर है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो सुबह वर्कआउट देखो, वर्कआउट करने से जैसे ही आप पसीना बहाते हो, वर्कआउट करते हो, वैसे ही क्या होता है कि ये सब बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, यू नो, शरीर विज्ञान है। वैसे ही आपके माइंड में डोपामिन करके, डोपामिन और सीरोटोनिन करके हॉर्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एकदम से। आपको कोई निराशा, कोई डिप्रेशन, कोई दुख देने वाली बात दिमाग में आती नहीं, अचानक से आप बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको। मतलब आपको बताऊं कि कैसा लगता है, कि जैसे दूसरा पैग पी लिया आपने ना, दूसरा पैग पीने के बाद कैसा लगता है? और मुझे यार, और भाई, अरे यार तू तो दोस्त ठहरा भाई मेरा, भाई अरे तेरे जैसा कोई ठहरा ही नहीं यार। तो वो जो फीलिंग आती है खुशी की 2 पैग पीने के बाद, वैसी ही फीलिंग आती है जब आप आधे घंटे का अच्छा वर्कआउट कर लेते हो, उतनी ही खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वो वर्कआउट करने की हैबिट डालो, डेली 1 दिन का रेस्ट करो, किसी भी 1 दिन का मुकर्रर कर लो। मैंने मंडे का दिन मुकर्रर किया है क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। 1 दिन मैं रेस्ट करता हूँ, बाकी 6 दिन मेरे वर्कआउट में कोई मुझे रोक नहीं सकता। अच्छा, वर्कआउट करने की वजह से क्या होता है कि घर के दूसरे काम भी मैं और मन से करता हूँ, यू नो। अभी इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा लगाना, मजा लो कोई लगा ले, मतलब मैं वो चैलेंज करता हूँ, पोछा लगाना जो है एकदम कमर झुक जाती है बिल्कुल, मतलब उसमें आपका लंजेस भी आता है, पैर की भी एक्सरसाइज होती है, शोल्डर भी आपके बन जाते हैं, आपके फोर आर्म्स भी बन जाते हैं, आपके ट्राइसेप भी बन जाते हैं, आपके बाइसेप भी बन जाते हैं। तो लेकिन आपको उसकी एक माइंड मेंटल स्टेट होता है ना। ज़्यादातर देखता हूँ कि हस्बैंड लोग तो घर पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ काम करते नहीं है, वाइफ जो है वो बेचारी कर रही है, वो अपना चाय पिए जा रहे हैं। क्यों भाई? बिकॉज उनकी दिमाग में खुशी नहीं है। जब खुशी पैदा होती है दिमाग में, खुशी से क्या होता है कि आप फिर कुछ भी चैलेंज, कुछ भी काम करते हो, आपका मन करता है दूसरे को भी खुश करो, यू नो, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, अच्छा फील होता है। तो वो काम करने में, ये काम करो, वो काम करो, लिखने का काम भी कर लूँ, दौड़ने का काम कर लूँ, बाजार से कुछ लेके आना, फटाक से जाके ले, एक करंट आपकी बॉडी में रहता है। तो वो सुबह उठ के 1 घंटे का एक्सरसाइज कंपलसरी, योगा के कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए। पहाड़ में तो मैं आज के दौड़ने के लिए ऐसा मरा रहता हूँ, मेरे को लगता है कब पहाड़ जाऊँ, कब मैं वहाँ दौड़ लगाऊँ। और जब मैं आता भी हूँ तो वो वहाँ से वो चंडाग वाली जो रोड है ना, चंडाग वाली रोड में मेरे सारे जितने पिथौरागढ़ के मेरे क्लास क्लासमेट्स हैं, विमल बगोली और भी दो चार लोग, नवल नवल पिछली बार नवल के साथ मैंने वहाँ वो नवल की जिसकी फोटो वाली दुकान है वहाँ मेघना के बगल में, तो नवल रावल, तो उसके साथ हम वो मेरे को ट्रैक पे लेके गया वहाँ ऊपर चंडाक के नीचे से, गांव में, गांव के पुनेरी के रास्ते से होते हुए वो ऊपर निकले हम लोग खेतों में, क्योंकि सुबह सुबह सारे लोग घरों के आगे कुत्ते भौंक रहे थे कि पतली पतली पगडंडियाँ दी है वहीं पर, यू नो, गायें बंधी हुई हैं, बकरियाँ बंधी हुई हैं, तो बहुत खुशबू, पेड़ों की खुशबू, तो बहुत मज़ा आया। तो आप लोग जो पिथौरागढ़ में जो लोग रहते हैं, जो बाहर के हैं, चलो समझ में आता है। जनक चंद नमस्ते भाई, जनक चंद नमस्ते, मोतिमा बोरा, यस, मनोज भट्ट, कौन से वाले मनोज भट्ट हैं? एक तो मुंबई वाले मनोज भट्ट होंगे, एक हमारे पिथौरागढ़ के मनोज भट्ट भी हैं जो बेंगलोर में हैं, जिसको हम गब्बू बोलते हैं। मनोज भट्ट जो है वो आई मीन की वो बहुत बड़ी एक अपनी ही कंपनी चलाते हैं, हरी पंथ। ओके, हरी पंथ सुपर तब होगा जब तुम इसको फॉलो करोगे बेटा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको दिमाग में घुसा लो और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हिस्सा बनाओ, डेली काम करो। अच्छा, मुंबई मुंबई वाले मनोज भट्ट भाई, ऐसा है कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं पेट कम करूँगा, मेरी सारा का सारा मेरा जो अटेंशन है ना वो तेरे पेट को लेकर है। तेरी बॉडी इतनी बढ़िया, बस जिस दिन तेरा पेट चिपक जाए ना, अगर तूने पेट चिपका देना, फ्लैट कर लिया, उस दिन तेरी पसंद। तो मैं मुंबई की ट्रेन में, लोकल ट्रेन के डब्बे में बैठा होगा ना, सारे लोग खड़े रहेंगे, जितने डब्बे में बैठे होंगे ना सारे लोग खड़े रहेंगे, तेरी वो पर्सनैलिटी है। मिथुन चक्रवर्ती का बाप भाई तू,
करके नहीं दे रहा, लेकिन कर भाई कर, कुछ लग काम कर दे रहा उसमें। तो मैं बता रहा था कि 200% ओके डन, ठीक है 200% तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो आपको पिथौरागढ़ में रह के, मैं तो वहाँ से उठ के ऊपर जो चंडाग रोड पे जो गेस्ट हाउस है PWD का, मैं वहाँ रुकता था, बट वहाँ से मैं नीचे स्टेडियम जाता था और स्टेडियम में दौड़ के सुबह दौड़ के फिर वापस आता था, यू नो। और जब मैं छोटा था, जब मैं ठुलीगाड़ में रहता था, तो ठुलीगाड़ से दौड़ के मैं पिथौरागढ़ आता था और फिर दौड़ के वापस आता था। तो पिथौरागढ़ वहाँ सुबह सुबह पेट में दर्द होता था, मैं मफलर बांधता था जोर से, यू नो। तो वहाँ दिक्कत क्या थी कि वहाँ पर ये जो बिण है, बिण से पहले आगे पीछे, उधर पे वो कुत्ते जो बगल में रहते, कोई कोई कुत्ता पागल जैसा वो पीछे भाग जाए। मेरे को बाकी किसी चीज़ से, सामने से दुश्मनों में डरने मैं डरूंगा नहीं, लेकिन अगर कुत्ता पीछे भाग जाए ना, मैं कह रहा हूँ बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ कुत्ते के साथ, तो वो मेरे दिमाग में भी अटका हुआ है। तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो लेकिन फिर भी हम 5 किलोमीटर फौजी वहाँ से भाग के आते थे, फौजियों के साथ साथ पीछे पीछे मैं भी भागने लग जाता था, तो फौजी मुझे बहुत पसंद थे। तो 5 किलोमीटर ऊपर, 5 किलोमीटर नीचे, 10-10 किलोमीटर, मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब मैं 7वीं में पढ़ता था, बाद में मैं जब 10वीं में, 9वीं 10वीं में था तब भी, यू नो। तो आपको सुबह 1 घंटा तो पहाड़ के आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहाड़ में स्पोर्ट्स का कल्चर है। हम लोग वहाँ, जब मैं कॉलेज टाइम में भी जाता था, हम लोग कुछ रनिंग करते थे, खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। फिर ठंड के दिन होते थे तो उसमें चने और वो अंडा, बॉयल अंडे और चना खाने में कितना मज़ा आता था। मेरे को मतलब वो चना, उसका स्वाद जो है ना, वो ठंड होती थी, विंडचीटर पहना आपने, ठंड हो रही है और ऊपर से गर्म गर्म वो देता था, जैसा भी देता इतना टेस्टी लगता था। तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं जो वहाँ रहते हैं, ये सब कर सकते हैं आप लोग। तो तीसरा जो दूसरा सूत्र हो गया क्या, 1 घंटा पसीना बहाना है, ठीक है। सुबह जब उठोगे आप, 1 घंटा आपको पसीना बहाना है, 1 घंटे का वर्कआउट करना है, घंटे भर भाव पसीना, सीख लो, खुश हो, अपने आप आपके जीवन में खुशी आएगी। जीवन में पैसा आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन खुश आप रहना शुरू कर दोगे। पैसों से खुशी नहीं मिलती, याद रखना, खुशी मिलती है हेल्थ से और आपके मेंटल सेटअप से, कि आप कितना पॉजिटिव हो दिमाग से, उससे खुशी मिलती है। पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से खुशी होने, अंबानी जी खुश हैं क्या, अकूत पैसा है, आधे लोगों की सारी स्टाफ की 50% तनख्वाह काट दी उन्होंने। खुशी की गारंटी नहीं है, पैसा हो सकता है, बट खुशी की गारंटी के लिए आपको हेल्थ होनी चाहिए। आप मेरा दौड़ना, आपको आपकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, खाना जो खाओ पच जाए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठना, सुबह उठ जा रहे हो आप आराम से, कोई BP नहीं, कोई कुछ खाने में प्रतिबंध नहीं है। आलू खाना तो आलू खा लो, बॉयल आलू किए हुए कुछ खा लो, आलू का पराठा खा लो। हाँ, जय हिंद अनिल पन्नू। तो तीसरा जो है, तीसरा थोड़ा मुश्किल है, 20 मिनट का ध्यान लगाओ, एंजाइटी को दूर भगाओ। ये जो घबराहट होती है ना, अभी मेडिटेशन ध्यान के बारे में हमने सुना होगा, दिल्ली में तो उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए मेडिटेशन कंपलसरी कर दिया है, ध्यान लगाना कंपलसरी कर दिया है। ये ध्यान लगाने से क्या होता है, ये जो माइंड में एक अशांति रहती है, एक यू नो हमेशा एंजाइटी, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे की चिंता कर रहा है, ये जो इसकी वजह से हमारा तमाम तरह की जो बीमारियाँ हैं ना, वो माइंड सोचने की वजह से हो रही है। लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा है कि आप माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी बात पर गुस्सा आ गया, 2 थप्पड़ लगा दिया आपने, यू नो कुछ भी कर दिया, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, माइंड कभी आपका कंट्रोल में नहीं रहता, बॉस के ऊपर गुस्सा आ गया, बीवी पर गुस्सा आ गया, बच्चे पर गुस्सा आ गया। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए आपको एक दिन में सिर्फ 20 मिनट का ध्यान लगाना मैक्सिमम। आप अगर 10 मिनट का भी लगाना शुरू कर दें, देखो आप 7 घंटा मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह कर करके फालतू चीज़ें देख देख के आप लगभग दिन का 7 घंटा बर्बाद करते हो। आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन नहीं कर सकते जो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल सकता है। सोचो, आप खुद सोचो, मतलब आप मेरी बात वो मत करो, आप खुद सोचो, जो आप जीवन में, आप जहाँ हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, उसके लिए आपके अलावा कोई और जिम्मेदार है नहीं, आप ही जिम्मेदार हो। और लेट नहीं हुआ, कल से जीवन बदल सकते हो आप, टुमारो, जस्ट टुमारो, कल का सूर्य वहाँ से निकलेगा और यहाँ से आपकी लाइफ चेंज।
ये सूत्र लिख लो। पहला सूत्र मैंने बोला आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाओ, रूप बुद्धि धन सब पाओ, सब मिलेगा। दूसरा सूत्र बताया क्या, घंटे भर बहाओ पसीना, सीख लो खुश होकर जीना। तीसरा सूत्र, ये सारे सूत्र की ये वीडियो आपको मेरे माइंड फिट में मिल जाएंगे। यूट्यूब पे माइंड फिट को सब्सक्राइब करो, उसमें पूरा मैंने बनाया हुआ है सुपर सेहत के साथ सूत्र, वहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ मैं लाइव आपको बता रहा हूँ। 20 मिनट का ध्यान लगाओ, एंजाइटी को दूर भगाओ। अभी मैं आपको इसके बाद एक और आएगा तो आप एक चीज़ और करता हूँ मैं, त्राटक इसमें बोलते हैं ना कि कोई दीवार में चीज़ बना के मैं उसको लगातार देखता रहता हूँ, उसे देखता रहता हूँ उसको। तो अभी मेडिटेशन और करीब मैं पूरा 50 मिनट का मेरा, 45 से 50 मिनट का मेडिटेशन और त्राटक मिला के होता है। पहले मैं थोड़ा सा लेट करता था, आजकल मैं सुबह उठ के करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि गजब की चीज़ है, फ्री में आपको मिल रही है, मतलब मुफ्त में। आप इसकी हैबिट बना लेंगे ना, रोज करने लग जाएंगे। मैं किन शब्दों में आपको कहूँ कि आपका जीवन किस तरह से बदल जाएगा, मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यू जस्ट कांट इमेजिन। अभी आप क्या है, खुश होने के लिए मॉल भागते हो, चीज़ें खरीदते हो, सोचते हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरी पदोन्नति हो जाए, मेरे लोग इज्जत करें सोशल प्लेटफॉर्म में, मेरे को लोग मेरी तारीफ करें, पावर मेरे को मिले, पैसा मिले, ये सब चीज़ें आप सोचते हो। लेकिन तब जो आपको चीज़ मिलेगी ना, तो ये पावर पैसा ये सब मिलने से जो आपको खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, एक जीवन के बारे में जो आपको एक अच्छा महसूस होना शुरू होता है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ज़ीरो। उधर पे अगर आपको 100% मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलता है तो वहाँ 100 मिलेगा, किसमें फ़ायदा है। तो वो करना शुरू करो। मेडिटेशन करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको आराम से बैठ जाना है, हाथ को उंगलियों को अपने ऐसे रखना है, इधर को ये दोनों उंगलियों को ऐसे रखना है, घुटनों के पास रख देना है, करेड़ की हड्डी सीधी रखनी है। इस बात को लेके बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि दिमाग में कोई विचार आ रहे हैं, आने दो। एक बात याद रखो, समझ लो, एक दिन में हमारे को करीब लगभग 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000 विचार आते हैं। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वो विचार जो है, हम विचारों को आने देते हैं, पकड़ते नहीं हैं। दिक्कत क्या होती है ना, आप विचार को पकड़ लेते हो। कोई विचार आया आपको, कोई चिंता, आपने सोचा कि यार ये भाई अभी तो नौकरी छोड़ गई मेरी, अभी तो क्या होगा, अब आपने सोचना शुरू किया क्या होगा यार। अब आप क्या करोगे, उसको विचार को पकड़ के उसके बारे में और ख़राब सोचते जाओगे। यार ये तो अभी मैंने गाड़ी ले रखी थी, लोन देना था, लोन का नहीं होगा, बच्चों को तो फीस देनी थी, अब फीस कैसे दूंगा, अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका भविष्य नहीं सुधरेगा, यार मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसी रह जाएगी यार, तो बहुत ही ख़राब हो गया, बाप रे क्या करूँ यार। तो आप वही बात बीवी से करोगे, बीवी दो बातें और करेंगी आपको, हाँ बिल्कुल सही बोल लो, की हो लो हमारे नंदीलाल को, की हो लो अब हैं, पर अब क्यों करो रुपये, मतलब ये आप अब सोचते जाओगे और उसके दलदल में घुसते जाओगे, अंदर घुसते जाओगे, जितना सोचोगे उतना घुसते जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप उल्टा उल्टा काम करोगे। तो आपको जब आप मेडिटेशन करते हो अगर रोज, तो क्या होता है कि विचार जो हैं आपके वो बादलों की तरह होते हैं। बादल जैसे आसमान में आते हैं और आके चले जाते हैं, है ना, कोई बादल रुकता है? कितना भी काला बादल हो, कितना भी बड़ा बादल हो, कितना भी घनघोर बादल हो, कोई बादल आज तक रुका है? वो आएगा और आके चला जाएगा। विचार भी कितना भी नेगेटिव हो, विचार आएगा आके चला जाएगा, उसको पकड़ना नहीं है। तो जब आप ध्यान करने बैठते हो, कुछ भी उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ लो तुम अपना सीधे कमर करके, हाथ ऐसे रख के बैठ जाओ। शिव की तीसरी आँख, ये जो जगह है, हैं, यहाँ पर जो है पाइनियल ग्लैंड होती है इसके अंदर मस्तिष्क की, इसको शिव की तीसरी आँख बोलते हैं। इसमें शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तीसरी आँख से शिव ने कामदेव को तीसरी आँख से भस्म कर दिया था, इतनी पावर है ना। जब आप सामने कुछ चित्र बनाते हो और यहाँ से देखते हो, आप रोज करना शुरू करोगे तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप चीज़ को हिला सकते हो। ऐसा लोगों ने कारनामे करके दिखाया है, इतनी पावर आ जाती है। प्रकृति ऐसी मेहरबान होती है आपके ऊपर, शक्तियों का भंडार।
आप कहाँ नौकरी की बात कर रहे हो यार, 25-30 हज़ार की नौकरी क्या है, 25-30 हज़ार की नौकरी ये करो आप, मैं बता रहा हूँ क्या मिलेगा आपको, खुद ही अंदाज नहीं लगा सकते। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी, मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि क्या बताऊँ, मुझे कोई मतलब किसी चीज़ की कुछ इच्छा नहीं है जीवन में, मैं कुछ नहीं पढ़ा जाता, मेरे को लगता है कि मैंने जो पा लिया बहुत है, मैं बस जो ये जो साधना है इसको करके मैं देना चाहता हूँ जितना मैं बता सकूँ आप लोगों को, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ मेरे पास आने वाले लोग नहीं करते, तुम लोग भाई लोग ठहरे मेरे, मैंने जो गलतियाँ की जिनको सीखने में मुझे कई वर्ष लग गए, आज मैं 52 साल का हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें, जल्दी सीख जाएं, जो मेरे पास है वो आपको 30 साल की उम्र में मिल जाए, 35 साल की उम्र में मिल जाए। तो आपको ध्यान में ऐसे बैठना है, ठीक है, इधर पे ध्यान लगा लो, अगर आपको शुरू में दिक्कत है ठीक है, शुरू में लंबी लंबी सांस खींचो, 5-6 बार लंबी सांस खींचो, शांति से बैठ जाओ, हाथ ऐसे रखो ठीक, और 10 मिनट तक शरीर को एकदम से हिलने नहीं देना, शरीर को बिल्कुल ऐसा बना देना पत्थर जैसा, समझ लो कि आप पत्थर की शिला चट्टान बन जाओ, बिल्कुल नहीं हिलाना, कहीं बाद बाद में तो कहीं खुजली भी लगेगी ना तो भी मत हिलाना, बाद बाद में शुरू में कर लेना। तो आप ऐसे जितना आपका शरीर एकदम से स्टिल होता जाएगा उतना आपका माइंड भी स्टिल होता जाएगा, और स्टिल माइंड इज द मोस्ट पावरफुल माइंड, क्यों, ब्रह्मांड जो है वो स्टिल है, ब्रह्मांड जो है वो एकदम शांत है। कभी आप गूगल जाके ब्रह्मांड की आवाज़ सुनो, नासा ने ब्रह्मांड की आवाज़ रिकॉर्ड की, यूनिवर्स कैसे आवाज़ करता है, जो यूनिवर्स से आवाज़ निकलती है वही आपकी आवाज़ आप अपनी सुन सकते हो, कान बंद करके सुनो, कान बंद करो दोनों जोर से दबा के, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ये पंखा चालू करना, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, वो आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी है। इस दुनिया में ब्रह्मांड में सिर्फ फ्रिक्वेंसी काम करती है और कुछ काम नहीं करता, तो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी भी अच्छी फ्रिक्वेंसी वाली गुड एनर्जी अपनी बॉडी में रखनी है, माइंड में हमेशा गुड एनर्जी रखनी है, अपर फ्रिक्वेंसी रखनी है, लो फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं करना है, अपर फ्रिक्वेंसी पर काम करना है। लेकिन अपर फ्रिक्वेंसी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके माइंड में बीटा वेव्स, माइंड जिस दिन तो सोचता है 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स और डेल्टा वेव्स। जब बच्चा होता है ना, जब माँ के पेट में, तो उसके दिमाग की जो काम करने का तरीका होता है वो डेल्टा वेव चलती है, बहुत छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी, बहुत कम फ्रिक्वेंसी होती है। और जब बच्चा 3-4-5 साल तक जब तक नहीं होता तब तक वो फिर डेल्टा से वो आता है अल्फा में आता है, अल्फा से भी थोड़ा बड़ा होता है, जब गुणा भाग करने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, तो माइंड चलने लग जाता है, तो वो फिर अल्फा से थीटा में आता है, ठीक है, और थीटा के बाद फिर बीटा वेव्स आती हैं। तो बीटा वेव्स में जनरली हम लोग रहते हैं, जिन लोगों का दिमाग बीटा में 3 है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल, उसमें एक लोअर रेंज की फ्रिक्वेंसी है, फिर मिडिल फ्रिक्वेंसी है, फिर अपर फ्रिक्वेंसी है। जो लोग दिन में बहुत सोचते हैं, बहुत काम करते रहते हैं, उनका काम कभी पूरे नहीं होते, इस बात को लेकर होते हैं, ओहो ये करना है, ओहो ये करना है, ओहो ये करना है, ओहो वो करना है, हाय तोबा मचाए रहते हैं, उनका जो है बीटा वेव्स अपर वाला काम करता है, ठीक है। आपको काम करना है थोड़ा सा शांत, वो जो शांति माइंड की, आप कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, बॉस ने कितना भी अचानक बॉस सामने आ जाओ एकदम से घबरा जाते हैं, है ना, दिमाग चलने लग जाता है। आप जब ध्यान करना शुरू करेंगे तो कैसी भी स्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, आप हमेशा शांत रहेंगे। जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आप बिल्कुल शांत रहेंगे। तो इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, सुबह ध्यान कीजिए और त्राटक भी कर सकते हो, ठीक है, त्राटक बोले ध्यान के बाद दीवार में, एक आप ऐसे कीजिए कि छोटा एक बिंदी होती है जो महिलाएं लगाती है बड़ी वाली, वो चिपका दो, उसे 1-1.5 मीटर दूर बैठो और ठीक अपने ऐसे इसके सामने लगाना है, ठीक है, और उसको 7 मिनट तक बिना आँख झपकाए देखना है उसको। तो आपके जो माइंड की जो फोकस पावर है ना, किसी भी चीज़ को बहुत फोकस से काम करने की वो पावर उसको बढ़ाता है। मैं ये बोल के थक गया उन लोगों को, सब लोगों को मैं ये करने को बोलता हूँ, और जो लोग उसको कर रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कारनामे करके दिखा रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एकदम लाइव एग्जांपल दूंगा। ये नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं
मेरे जीवन में इसकी वजह से जो हो रहा वो हो रहा है, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग बिना उदाहरण के मानते थोड़ी हो। तो आपको एकदम लाइव एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा ये रहा बंदा, इसने ये किया, ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले करने से पहले ये करता था, करने के बाद इसके जीवन में क्या चेंज आए, आप गूगल करके चेक कर लेना कि यहाँ हाँ ये बंदे का नाम है कि नहीं वहाँ, तो बस आप समझ जाना। तो वो करने के बाद लेकिन फिर आपको लालच आएगा कि यार जब उसने किया तो मैं भी करता हूँ, शायद तभी आप करोगे। तो तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया कि 20 मिनट का ध्यान लगाओ और एंजाइटी को दूर हो, घबराहट कभी नहीं होगी आपको। अच्छा, फिर चौथा है शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, मन को अपने पवित्र बनाओ। खाना कैसा खा रहे हो आप? अभी समोसा खा लिया सुबह सुबह उठ के, अभी क्या बोलते हैं तली हुई चीज़ें, पकोड़े, तली हुई दूध वाली चाय। दिन में मैं पहले दूध वाली चाय पीता था, एक दिन में 5-6 चाय तो हो ही जाती होंगी मेरी, दिन भर मतलब 2:30-3 बजते थे मेरे पेट में ना वो गैस बढ़ने शुरू हो गई थी और वो चलती रहती थी रात भर। मतलब वो चाय पी के इतनी गंदी हैबिट थी चाय की मेरी। अभी मैं चाय पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ और मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी की आदत भी मैं अच्छी नहीं बोलूँगा, मेरी कोशिश है कि मैं इसको भी छोड़ दूँ। 1-2 बार ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और बाकी दिन में 3-4 बार मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ। ग्रीन टी में क्या लेमन टी होती है, कुछ कुछ क्या बोलते हैं तुलसी के पत्तों वाली टी होती है। किसने नंबर लिखा है, आप सभी देशवासियों को मैं लोक गायक नोबेल की ओर से नमस्कार, ये कुछ अपना विज्ञापन कर रहा है बीच में। तो क्या है कि अब जो है आप क्या खा रहे हो बहुत अलर्ट हो जाओ। क्या है, जैसा अन्न वैसा मन। ब्रह्म कुमारी शिवानी को जो लोग सुनते हैं वो लोग जानते हैं, वो बार बार ये बोलती हैं कि जैसा जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, आप अन्न कैसा खाओगे, जितना फ्रेश खाना खाओगे, सात्विक खाना खाओगे, उतनी बॉडी में आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। जितनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आप उतना बढ़िया काम करोगे, उतना लोगों से अच्छे से बात करोगे, उतनी आपकी मन में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगी। जितना नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव होगे, उतनी जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो सारे काम तो आप सफलता पाने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन आप ये भी समझो भी तो सही कि सफलता मिलने कहाँ से वाली है, आएगी क्या, सफलता पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट, यू नो। आप इफेक्ट को, आपने दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, दांत में दर्द होने की वजह क्या है कि आपका कॉज क्या है, उसका कॉज ये है कि उसमें पस बनने लग गया, उसमें एक कैविटी हो गई है। तो आपको जब इफेक्ट दूर करना है तो पहले कॉज पे जाना पड़ेगा। नहीं, आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हो, वो एक इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है, कॉज चेक करो, कारण ढूंढो कि कारण क्या है, भैया मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, बाकी लोग 24 घंटे हैं, मैं भी खाना पीना खाता हूँ, वैसे घर में खाने की कमी नहीं, भूखा नहीं रहता हूँ, बाकी लोग भी। लेकिन एक आदमी ने अच्छी पढ़ लिख के 2-2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, अच्छा जॉब मिल रहा है, मैं उसकी मेरा ही क्लास फेल होता हूँ और मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ, तो क्या कारण है? आप जब कारण ढूंढने जाओगे तो आपको कारण मिलेगा। तो खाने के ऊपर बहुत ध्यान दो, और खाना रात का खाना मैं 8 बजे बोलता हूँ अपनी पत्नी को कि 8 बजे खाना है। मेरी लड़ाई सारी इस बात पे होती है कि मैं 8 बजे रात का खाना खा लूँगा, क्योंकि मेरे को 10 बजे से पहले सोना पड़ता है, और सोने से पहले आपके 2 घंटा पहले खाना खाओ, सो दैट कि खाना सारा पच जाए। खाने को पेट में लेके आप सोओगे तो आपको एक तो नींद नहीं आएगी, नींद आ ही नहीं सकती, लोग बोलते हैं नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि यार ये कैसे गधे लोग हैं, कौन पागल लोग हैं जो ये बोलता है कि नींद नहीं आती। मेरे को जिस सेकंड में डिसाइड करता हूँ कि मेरे को सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप, उसके 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं, 3 मिनट से ज़्यादा कभी आज तक लगा नहीं कि मेरे को नींद आए। उसका सुबह ही नींद खुलती है और अलार्म की आवाज़ से, बीच में कुछ नहीं पता चलता। बस मैं मन में डिसाइड करता हूँ कि ओके नाउ आई वॉन्ट टू स्लीप, तो मैं पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ मैसेज भेजता हूँ, कुछ चीज़ें आँख बंद करके देखता हूँ। मैं भी बताऊँगा आपको क्या करता हूँ, सोने से पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपने सोने से पहले जो मैं बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दिया, सुबह उठना शुरू कर दिया और दूसरा ये काम करना शुरू कर दिया, आपके 2 महीने में आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर दी, तो मेरा नाम कैप्टन सुंदर चट्टा। थोड़ा सा लाइटर मूड में रहना चाहिए, बहुत सीरियस
यू नो आराम से हंसते खेलते बात होनी चाहिए, ऐसा बहुत सीरियस बना के जैसे कि परशुराम की तरह यू नो बहुत गुस्से में, ऐसा नहीं है। जस्ट जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको नोट करो, सब काम की बात है, उसको अपने जीवन में लेके आओ, मेरा पॉइंट ये है। तो खाने को लेके बी अलर्ट, रात को 8 बजे से पहले खाना खा लो, तली हुई चीज़ें मत खाओ, नेचुरल फूड ज़्यादा खाओ, सलाद ज़्यादा खाओ, ठीक है। खाने से बाद पानी मत पियो 1 घंटे तक, खाने से पहले भले पानी पी लो, ज़्यादा मत खाओ, जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम खाओ, चबा चबा के खाओ। खाते वक्त किसी से कोई बात मत करो, खाते वक्त कोई चीज़ पे ध्यान मत दो, मोबाइल अगर वहाँ पर कोई ले आया तो फेंक दो उसको, उस मोबाइल को दूर फेंक दो उसको, मोबाइल होना नहीं चाहिए आसपास, आराम से खाओ। खाने से पहले प्रकृति का शुक्रिया अदा करो, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, अरे भाई जिसने दिया है उसको धन्यवाद दोगे नहीं दोगे, बोलोगे नहीं भाई तुम मेरे को अन्न दिया है शुक्रिया मेरे को खाने को मिल रहा है। ऐसे लोग हैं सड़क पर आप चलते हो, गाड़ी में आपके नौकर मेरे को दे दो, लोगों को खाने को नहीं है ना, तो आप उनसे बेहतर हो। तो आपने कभी इसके लिए कृतज्ञता दिखाई, भगवान को धन्यवाद दिया, प्रकृति को धन्यवाद दिया, यूनिवर्स को बोला कि थैंक यू बॉस कि तूने मेरे को ऐसे हेल्दी बॉडी दी, तूने मुझे खाने पीने को सब कुछ दिया है, है? तो आपको खाने से पहले हाथ जोड़ो, एक मन में अच्छी भावना लेके आओ, तब वो जब खाना खाओगे तो वो आपके शरीर में लगता है, उससे आपको शक्ति मिलती है, उससे ताकत आती है, है? फिर देखो तो चौथा सूत्र हो गया। पांचवा जो सूत्र है, हर कर्म करो जोश में, हर पल रहो होश में। जो भी आप काम करो जोश के साथ करो। तो फौज में हम थे, आपने वो उड़ी वाली फिल्म देखी होगी, हाउ इज द जोश जवानों, हाउ इज द जोश, वेरी वेरी हाई सर। तो हमसे पूछते थे 20 घंटे का रगड़ा मिला, 20 घंटे काम किया हमने, काम करके ख़त्म किया, एंड इंस्ट्रक्टर आ रहा है वहाँ से, हमारा ऑफिसर आ रहा है, एंड जेंटलमैन हाउ इज द जोश, वेरी वेरी हाई सर। अच्छा जोश ही नहीं है, दोबारा रगड़े गया। मतलब हमको ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि हमारी आवाज़ 20 घंटे के रगड़े के बाद भी इतनी ज़ोर से निकले कि वो हमको दोबारा ना भेजें, यू नो। तो ये जो हर जो भी आप काम करते हो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, हर काम को पूरे जोश के साथ करना है, और जोश के साथ होश। पता चल रहा कि आप गलत काम कर रहे हो और पूरे जोश के साथ कर रहे हो, सोचो क्या होगा। गलत काम कर रहे हो, गलत काम को पूरे जोश के साथ कर दोगे तो क्या होगा। तो आपको जोश के साथ काम करना है, लेकिन साथ में होश को रखना। हर काम करो जोश में, हर पल रहो होश में। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मेरे मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं वो दूसरे को आहत तो नहीं कर रहे, दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुँचा रहे। अरे भाई जैसे आपको लगता है आपको तकलीफ होती है, कोई आदमी आपको कुछ बुरा भरा बोलता है, तो ऐसे ही जब आप दूसरे को बुरा भरा बोलोगे दूसरे को तकलीफ होगी ना। तो होश में रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लोग होश में नहीं रहते, बाजार में पैदल चल रहे हैं तो मोबाइल पे खोए हुए, कितने लोगों ने मोबाइल में सेल्फी खींचने के चक्कर में मर गए। आई मीन उसका आंकड़ा हजारों की संख्या में, हर साल हजारों लोग मर जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो सेल्फी खींच रहे हैं, होश में नहीं, किनारे में खड़े हैं, समंदर वहाँ पे बगल में है, पत्थर पे खींच के प्रेमिका बगल में टपक टपक से नीचे समंदर में गिर गए, पहाड़ से नीचे ढुल के जा रहे हैं। कितने लोग कैसे कैसे मर रहे हैं, कोई होश में नहीं है। कोई आपको सारी दुर्घटनाएं क्यों घटती है, पता चला कि किचन में आपने कुछ चढ़ा रखा, भात चढ़ा गया है, और यहाँ आपने व्हाट्सएप में कुछ चैट करने लग गए, भगोने में आग लग गई, लेडीज खाना बना रही हैं, पता लगी वो पल्ला नहीं, पल्लू जो है साड़ी का पल्लू वहाँ नीचे जा रहा है, शॉल जो है नीचे लटक रहा है, शॉल ने कुछ पकड़ लिया, आग पकड़ ली, बच्चे को वहाँ छोड़ के आ गए, वहाँ क्या बोलते हैं छोटा बच्चा है एकदम 1 साल का, बाथरूम में छोड़ के आ गए, वहाँ बाल्टी भरी हुई है, पता लगी चाय पार्टी में हो गया। ऐसी भी कई घटनाएं सुनने को मिली है, बहुत ही मार्मिक घटना है, लेकिन क्यों होती है, क्योंकि आप होश में नहीं रहते, हमेशा बेहोशी में रहते। तो ये सुनिश्चित करना कि हर पल आप होश में रहो, जोश में काम करो सारे, लेकिन साथ में होश को बना के रखो, बहुत जरूरी है। तो ये सूत्र नंबर 5 हो गया, और सूत्र नंबर 6 जो है विजुअलाइजेशन काम आएगा, जो चाहो वही दिलाएगा। ये पॉइंट था, ये जो मैं रात को सोने से पहले वाली बात कर रहा हूँ, यही पॉइंट था कि विजुअलाइज करना समझते हैं आप क्या होता है।
जब आप रात को सोते हो, सोने से पहले आपको जैसा भी आप जीवन चाहते हो अपने लिए, जैसा भी जीवन चाहते हो, आपको उसमें दृश्य देखना है, आपको देखना है जो आप बनना चाहते हो। आप अगर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप देखो कि आप आईपीएस ऑफिसर बन गए, आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है, आपके स्टार लगे हुए हैं, बेल्ट वेल्ट लगा के, लाल रंग के जूते पहन के, और कार में या जीप में, मतलब पुलिस वाली गाड़ी में या बुलेट में आप मार्केट में जा रहे हो, दो चार गुंडे लोग हैं, यू नो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उस तरीके से आप उनसे, तो आपको अपने को जैसा जैसा बनना है वैसा देखना है। और क्यों देखना है? रात को सोने से पहले क्यों देखना है? बोल रात को जब आप सोने जाते हो तो आपका दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर कॉन्शियस माइंड से हजारों गुना ज़्यादा होती है। सारे काम आपके जीवन में आपको सफलता दिलाना, आपका नेचर, आपकी हैबिट्स क्या हो रही हैं आपको, वो सब काम जो है सबकॉन्शियस माइंड करता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो चित्र भेजनी है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जैसे जैसे अलादीन का चिराग, आपने कहानी पढ़ी हुई, उसमें जिन है ना, जिन, तो जिन को हम जो बोलते हैं वो कर देता है। जो भी काम बोलेंगे, हम बोलेंगे उस लड़की को उठा के ले आओ तो उठा के ले आएगा, हम बोलेंगे कि तू फलाना दुकान से की तिजोरी उठा के ले आओ, जिन जाएगा उठा के ले आएगा। तो जिन जो बोलोगे आप वही करता है, आपका गुलाम होता है आपका। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम है, आप जो भी सोचते हो, जो भी देखते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर लेता है और उस चीज़ को वो फिर आपकी ज़िंदगी की हकीकत बनाता है, वो हकीकत में लेके आता है आपकी ज़िंदगी की। तो हकीकत में अगर आपकी ज़िंदगी को, तो आपने क्या सोच लो, कई लोग क्या सोचते वक्त आप नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, मेरे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मेरे को वायरस तो नहीं आ जाएगा। अभी क्या है कि वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं देखता कि आपने क्या सोचा वो गलत है कि सही है आपके लिए, वो सिर्फ ये देखता है कि आपने क्या देखा, गलत है सही है, आपको नुकसान होगा या फायदा होगा ये नहीं देखता। आपने पता लगे कि नेगेटिव बातें सोची, नेगेटिव बातें चली गई उसके बाद और उसने उसी को पूरा कर दिया। अरे कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, सोने से पहले आँख बंद कर दी, सोने जा रहे हो, कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी, ये सोचा। अब सबकॉन्शियस माइंड में वो खबर आ गई तो वो उसने पता लगे उसी को, नहीं भी जाने वाली होगी तो वो इंश्योर करेगा कि आपकी चली जाए। अगर आप सोचो कि यू नो, तो ये ऐसी एक चीज पावर है कि इससे कुछ भी चीज़ें हासिल हो सकती। और जो चीज़ बनना चाहते हो वो चीज़ आप ऐसा मत सोचो कि मैं दो महीने के बाद बनूंगा या एक साल के बाद मेरे जीवन में वो चीज़ आएगी। जो चीज़ भी बनना है आप ये सोचो कि मैं ऑलरेडी बन गया। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, पिथौरागढ़ का एक हीरो है, नया हीरो, मेरा सबसे फेवरेट बंदा है विमल चंद पुनेरा। अगर वो है तो भाई टिंग मार दे भाई विमल। ये विमल की कहानी जो है, ही इज़ अ प्रोफेशनल बॉक्सर, यू नो। ये विमल जो है मेरे से ऑफिस में मिलने आया 3 महीने पहले। बद्रीनाथ कृष्णयाल जी का रिश्तेदार है, कृष्णयाल जी मेरे गुरु रहे, तो 2 साल से मिलने की कोशिश कर रहा था तो कभी ये नहीं आ पाता था, कभी मैं बिजी रहता था। अंततः ये एक दिन बन गया समय, वो मिलने आया। मिलने आया तो इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रो बॉक्सर है। मैं तो ओलंपिक से ओलंपिक का मेडल जीतना, तो पिथौरागढ़ से एक तो हरि सिंह थापा हुआ करते थे बॉक्सर, एशियन चैंपियन, उसके उनका जो बेटा है चंद्र थापा जो है वो मेरा क्लासमेट है। बाद में हरि सिंह थापा वो मेरे पिताजी क्लासमेट हुआ करते थे, यू नो, एक साथ वो बच्चा कंपनी में भर्ती हुए थे 16 साल की उम्र में 10वीं करने के बाद। हरि सिंह थापा अभी भी जीवित हैं, उनकी स्मरण शक्ति नहीं है लेकिन वो अभी जीवित हैं, नैनी सैनी गाँव में रहते हैं। तो उनके बारे में मशहूर था कि वो एक हाथ से ऐसे बॉक्सिंग से उन्होंने मारा, इतनी पावर थी कि वो सांड को एक ही बॉक्सिंग में उन्होंने गिरा दिया नीचे। विमलचंद पुनेरा, हाँ हाँ, लिसनिंग टू यू, ग्रेट बड़ी, तो तेरी कहानी बता रहा हूँ विमल। तो उसको सांड को गिरा दिया, मतलब इतनी पावर थी उनमें। तो ये बंदा जब आया तो मैंने कहा यार ये छोटा सा 5 फीट की हाइट रही होगी, पतला दुबला सा, मतलब 52 किलो का है वो मेरे ख्याल से। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ करके, काफ़ी देर बात हुई, और उन दिनों मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सबकॉन्शियस माइंड वाले, मेडिटेशन, त्राटक और ये सब, मेरी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी, हो चुकी थी ऑलमोस्ट। मैंने ऐसे कहा कि भाई अच्छा, उस दिन तभी पढ़ाई पढ़ा था, हर इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आप जो चीज़ बनना चाहते हो वो ये मत सोचो कि आप बनोगे, आप सोचो कि मैं बन गया। मैंने इसको कहा, ये नेचर से भी मुझे लगा कि मेरी बात मानेगा। मैंने कहा भाई तू ध्यान करना शुरू कर, त्राटक करना शुरू कर,
और जब ये जा रहा था, मैंने कहा ये ऑफिस की लाइन से बाहर कदम रखने से पहले तूने ये समझना है कि तू वर्ल्ड का नंबर वन बॉक्सर है, वर्ल्ड चैम्पियन है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तू वर्ल्ड चैम्पियन है, ठीक है। ये बात मैंने उसको बोली और इसने भी कहा कि मैं हूँ। मैंने कहा उठते वर्ल्ड चैम्पियन की तरह तो चलेगा, वर्ल्ड चैम्पियन की तरह तो ट्रेनिंग करेगा, वर्ल्ड चैम्पियन की तरह तो सोचेगा, हर चीज़ तो वर्ल्ड चैम्पियन की तरह करेगा। वर्ल्ड का नंबर वन, एक नंबर नीचे नहीं, वर्ल्ड नंबर वन है। तो उसके अगले दिन से मैंने इसके बारे में फेसबुक में मैंने एक छोटा सा ये डाला कि ये वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर मेरे को मिल गया है। वो दिन और ये आज 3 महीने मुश्किल से हुए होंगे। अगले दिन से अमेरिका से इंक्वायरी आने लग गई कि भैया कौन बॉक्सर है ये, आप कभी इसके हाथ देखना जो चलता, जो ये प्रैक्टिस करता है ना, इसके आप देखना बिजली की रफ्तार से इसके हाथ चलते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मतलब ये वर्ल्ड नंबर वन, वर्ल्ड चैम्पियन बनना तो सिर्फ समय की बात है, ये ऑलरेडी है ही। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन अमेरिका के बॉक्सर ने इसको कॉल किया और बोला कि तू यहाँ आएगा, मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगा और तू वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर है, वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। किसने बोला? 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन ने बोला, हॉल ऑफ फेम में जिसका नाम, भाई तो नाम लिखना विमल, उसका नाम लिखो यहाँ पर, यार मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो आई मीन उसके बाद जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन है उसके बॉस का इसके पास फ़ोन आया, न्यूजीलैंड से फ़ोन आया, 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से आया, वो बंदा चाहता है कि ये 1 साल के लिए वहाँ चला जाए। सिर्फ इसने ये किया कि सबकॉन्शियस विजुलाइज करना शुरू किया, रात को सोने से पहले इसने वो चीज़ें देखनी शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया, त्राटक करना शुरू किया इसने। इसकी 3 महीने में इसकी लाइफ चेंज हो गई। इसको सपोर्ट करने वाले इतने लोग मुंबई में हैं इस वक्त कि वो उनमें कॉम्पिटिशन चल रहा है कि मैं सपोर्ट करूँ, मैं सपोर्ट करूँ, मैं सपोर्ट करूँ। तो अगर ये उसके साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था चौथा। और पांचवा जो लास्ट, सातवां जो सूत्र है वो है घूंट घूंट अमृत पियो, हर पल इस पल में जियो। ये याद रखना कि कभी भी यू नो पास्ट में और फ्यूचर में वहाँ चक्कर लगा के कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, आपको तकलीफ़ होने वाली है। भविष्य के बारे में जितना सोचोगे उतनी आपको चिंताएं होंगी, पास्ट के बारे में जो सोचोगे वो व्यर्थ सोचोगे, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जीवन में जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ आपके पास हमेशा वर्तमान के रास्ते आने वाली है, इस मोमेंट के रास्ते आने वाली है, मौजूदा क्षण के रास्ते आने वाली है। अगर आप वहाँ रहोगे नहीं तो आप रिसीव कैसे करोगे उसको? आप अगर पास्ट में और फ्यूचर में ज़्यादा रहोगे, प्रेजेंट में हो नहीं। हाँ, तो देखो विमल ने नाम बताया उसका, जॉन मोंटेस है, जॉन मोंटेस है उसका नाम, 4 टाइम हॉल ऑफ फेम। सोचिए दैट गाय, वो अमेरिका से इसको कॉल कर रहा है इसके वीडियो देखने के बाद, एंड ही सेइंग कि तू वर्ल्ड चैम्पियन है। कुछ देखा होगा ना उसने। देखने से ज़्यादा क्या होता है कि आपकी आपकी बॉडी और माइंड ऐसी वेव्स पैदा करती हैं आप चारों तरफ कि अपने आप से वो चीज़ें होने लग जाती हैं। यू नो ये पूरा ब्रह्मांड जो है एनर्जी है, माइंड से हमेशा वेव्स निकल रही है, माइंड से क्या है, थॉट एनर्जी निकल रही है। वही आपके दिन में जो 60,000 विचार आते हैं, वो क्यों आते हैं? दूसरों के विचार हैं आपके, सब मैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके थ्रू ज़्यादा। आप टीवी का एंटीना लगाते हो तो टीवी में चित्र आ जाता है, रेडियो सुनते हो इतने मेगावाट्स पे रेडियो के सिग्नल्स आते हैं, ये हवा में सब कुछ भरा हुआ है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन सारी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग वेव्स काम कर रही है ना। तो आप जो सोचते हो हर सोच का फर्क पड़ता है, क्या सोच रहे हो आप। जितना आप जीवन को पॉजिटिव सोच सोचोगे उतना आप क्या जीवन को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओगे। दस जो जो लोग, कई ऐसे लोग होते हैं हर चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, क्यों होते हैं? तो वो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में उनके पॉजिटिव मैसेज आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं भविष्य के बारे में। जितने बड़े लोग हुए, सक्सेसफुल लोग हैं, सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो रतन टाटा हो, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हुए हैं, वो लोगों ने क्या किया कि रात को सोने से पहले कभी उल्टी बातें नहीं सोची, हमेशा सोचा। इवन इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी यही सोचा ना, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। तो कई बार सोचा होगा, बार बार सोचा होगा, रात को सोने से पहले सोचा होगा, आज बन गए। आप करके देखिए, आप जो चाहो वो बन सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है कि भूल जाते हैं, दिमाग नहीं भटक जाता है। रोज रात को करना पड़ेगा, एवरी डे यू हैव टू डू इट। हर दिन सोने से पहले एक लक्ष्य बनाओ और उससे जुड़ी हुई चीज रोज रात को देखो, रोज रात को सोने से पहले वही देखो, वही देखो, वही देखो।
आप देखो एक महीने के अंदर चीज़ें बदल जाएंगी, आपको खुद मालूम चलेगा, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद मालूम चलेगा। तो आपके जीवन जो है आपके हाथ में है, आप चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। तो ये 7 सूत्र मैंने आपको बताए थे, इससे आपका मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ और आपका स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों लाइफ कवर हो गए, तीनों शक्तियाँ जो हैं आपके पास आ जाएंगी। ये 7 सूत्रों को फॉलो करो। ध्यान से सुनना हो तो मेरे माइंड फिट, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है माइंड फिट, वहाँ जाओ, वहाँ मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखो, उसमें से नोट करो, रोज करना है, ठीक है। तो मैंने ये 7 सूत्र आपको बता दिए, और कि मैं तो 3 घंटे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों में धैर्य नहीं है, अभी इस वक्त 27-28 लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे थे वो कुछ और काम में लग गए हैं, तो अच्छी बातें, अभी कोई नाटक होगा, कोई ड्रामा चल रहा होगा तो 1-1 घंटा भी देख लेंगे, फिल्मों के गाने सुन लेंगे, लेकिन कोई आदमी जब काम की बात बता रहा है तो उसको नहीं सुनना। अभी ये चॉइस आपकी है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, तो आपका जीवन जैसा है वो आपकी चॉइस की वजह से है, आप ही ने अपने जीवन को वैसा बनाया है, किसी ने बंदूक नहीं रखी आपके ऊपर, कोई बंदूक नहीं रखता कि आप सुबह 4 बजे नहीं उठोगे, आप 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे, आप दिन भर 7-8 घंटा जो है कम से कम मोबाइल में वेस्ट करोगे, आप पक्का उसमें लगाओगे। सोचो 7-8 घंटा मोबाइल की चीज़ों में बर्बाद करते थे, अगर 7-8 घंटा रोज़ आप घर पे बैठ के पियानो बजाना सीखने लग जाए, हारमोनियम भी बजाना सीखने लग जाओ आप रोज़ 7 घंटा, आपको 3 महीने के अंदर यहाँ पर मुंबई में जो फिल्मों में संगीत देते हैं वो लोग आपको इन्वाइट कर लेंगे, बोलेंगे भाई तो यहाँ आके सीखा, 3 महीने में आप मास्टर बन जाओगे। 7 घंटे रोज प्रैक्टिस करके देखो आप, 7 घंटे रोज सुबह 12 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आप हारमोनियम बजाओ, आप हारमोनियम बजाने के कोई इस पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं हो जो आपके अलावा हारमोनियम बजा ले, लेकिन आप 7 घंटे मोबाइल पे लगाते हो और फिर बोलते हो क्या मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं है मेरे पास, ना मेरा नाम है, ना मेरा सम्मान है, कुछ नहीं है, ऐसी डुटालों की तरह टाइम पास कर रहा हूँ मैं, होगा कैसे यार, करोगे तब तो होगा ना। अरे भाई मरने के लिए, स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, कुछ तो करो, कंबल ओढ़ के इसमें लेटे रहोगे। तो मैंने अपने 7 सूत्र दे दिए हैं, अब आपको मेरे से कोई सवाल पूछने हो, कुछ ऐसी बात करनी हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो LD जोशी जी, वाह क्या बात है जोशी जी, थोड़ी आप लोगों से बातचीत हो जाए। प्रिंस चंद PC सिक्का, क्या बात है, सम माइंड फ्रेश टिप्स, ओ माइंड फ्रेश टिप्स, माइंड फ्रेश टिप्स तो भाई ऐसा है कि 5 बार सांस ले, एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है कि X 4X 2X, याद रख ले, X 4X 2X, एक्स बोले तो सपोज करो एक्स की जगह तुमने 2 रख दिया तो 4X, एक्स की जगह 4 रखते हैं, एक्स की जगह 4 रखा, 4X कितना हो गया 16 और 2X कितना हो गया 8 हो गया, तो 4 गिनने तक नाक से सांस ले लिया, फिर रोक दे, फिर उसको रोक दिया, फिर 16 गिनने तक, अपने 16 गिनना क्या, अपने हार्ट की बीट पे ध्यान दो, दिल धड़क रहा है ना, 16 बार गिनो, मेरे को तो साफ सुनाई पड़ता है, आप लोगों को हो सकता है सुनाई ना पड़े, तो आप गिन भी सकते हो, 16 गिनने तक सांस को रोक के रखो, ठीक, और उसके बाद 8 गिनने तक सांस ली, 4 गिनने तक रोक लिया, 16 गिनने तक रोक के रखा, और फिर 8 गिनने तक, 8 गिनने तक उसको निकाला, ऐसा 5 बार किया, ठीक है, 5 बार किया, माइंड फ्रेश एकदम से। माइंड थकता है किस लिए है, कि लगातार सोचने की वजह से थकता है, आप सोचते रहते हो तो थकता है, सोचना बंद कर दो, ध्यान में चले जाओ, सारी थकान दूर, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज कर लो, दुनिया के टॉप खिलाड़ी यही करते हैं, टॉप खिलाड़ी 5 बार आप सांस लेने की एक्सरसाइज कर लो, ख़त्म, 2X 4X 2X 4X और 2X 4X और नहीं नहीं X 4X और 2X, 4 16 और 8, अगर 3 बार किया तो 3 12 और 6, तो एक्स मैंने सांस लेनी है और 4X तक आपको सांस रोकनी है और 2X तक आपको सांस को बाहर निकालना है, ठीक है।
और कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं आपे जवाब देने को तैयार हूँ भाइयों। लेकिन ये इतना बड़ा ग्रुप है, इसमें बस 30 लोग दिख रहे हैं मेरे को, जो 30-32 लोग हैं इसमें, देश विदेश में लोग, सारे पहाड़ के पिथौरागढ़ के लोग हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि ज़्यादा लोग बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि फिटनेस और मेंटल फिटनेस और ओवरऑल लाइफ को चेंज करने वाली बातें मेरे को तो मैं तो जब देखो तब YouTube के वीडियोस देखता रहता हूँ। मुझे कुछ भी सीखना होता है आजकल, जैसे मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं वीडियो जाकर देखता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों के विचार उसमें सुनता हूँ, उनका वीडियोस भी देखता हूँ सुबह के टाइम, स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो रनिंग, मैं मैराथन दौड़ता हूँ तो मैराथन दौड़ने के लिए मैंने दसियों किताबें पढ़ ली होंगी, और यूट्यूब के वीडियोज़ में देखता हूँ बहुत, वहाँ से टिप्स लेता हूँ, सांस कैसे लेनी है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, सारे वहाँ से मैं सीखता हूँ। तो हरि सिंह रावत जी एक्स फार्मूला बोल रहे हैं, तो भाई देखो फार्मूला ये है कि एक्स, 4x एंड 2x, एक्स में कोई भी नंबर रख दो, 3 या 4 तो मतलब मिनिमम 3 तो रखोगे आप, बेस्ट है कि 4 रखो आप, तो 4 गिनने तक सांस को लेना है, नाक से लेना है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 16 हो गया, 16 गिनने तक रोक के रखना है उसको, ठीक है, अंदर कुंभक जिसको बोलते हैं, अंदर रोक के रखना है, और फिर 2x यानी कि 4 × 8 गिनने तक उसको बाहर निकालना है। आप करोगे तो एकदम से आपको थकान लग रही है, कहीं भी जा रहे हो, खाली बैठे हो, ये कर लो, मोबाइल देखने की बजाय इसको कर लो ना यार, क्या होता है जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, सांस के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, अभी तो सांस की ऐसी ऐसी एक्सरसाइज है, सुबह उठ के आप कम से कम 5 मिनट ऐसे सांस ले लो ना, नशा हो जाएगा, घूम के गिर जाओगे, और मजा ला, कोई बीमारी हो जाए, कोई बॉडी में पेन हो, कोई आर्थराइटिस हो जाए, कुछ हो जाए, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंची है, ऑक्सीजन आपकी शरीर के लिए प्राण है, प्राण तत्व, वो सब चीज़ रिपेयर कर देता है, सारे दर्द दूर हो जाएंगे, एकदम से हेल्दी रहोगे, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहेगी। तो ब्रीदिंग की बहुत तरह की एक्सरसाइज है, आजकल मैं एक नई सीख रहा हूँ, उन्मुक्त ने मुझे सिखाई है, उन्मुक्त भी करता है, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा आइसमैन करके है, वो आइस को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उसको, आज उसका जो टेनिस प्लेयर है डोकोविक के साथ उसका आज एक प्रोग्राम भी है, डोकोविक उसको फॉलो करता है, तो वो ब्रीदिंग की जो उसने तकनीक बताई है वो तो बहुत ही, यानी कि बहुत उसमें पेट से, छाती से और हेड से, तीनों से सांस लेनी है, ऐसे सांस लेने के इतने तरीके हैं, आपका जो प्राणवायु जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप उससे आप पूरा एकदम से बोलिए हेल्थ रिलेटेड सारी समस्याएं ख़त्म कर सकते हैं। 5 मिनट सुबह उठ के बस योगा से क्या होता है, योग जो है, योगासन करते हैं तो बस सारी स्ट्रेच होती है, आपको बहुत थकान लगती है, सांस लेनी पड़ती है, आप कोई सूर्य नमस्कार, मैं 21 सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो तीसरे सूर्य नमस्कार से सांस चढ़ने लग जाती है, उस लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है, तो वो बॉडी के सारे हिस्सों में जाती है, सारी मसल्स आपकी खुल जाती हैं, स्ट्रेच होती हैं, ऑक्सीजन पहुँचती है, आप कहाँ से बीमार पड़ रहे हैं, 3 साल से मुझे जुकाम नहीं हुआ, 3 साल हो गए मेरे को कभी जुकाम, और उससे पहले हर दिन जब देखो जुकाम लगा रहता था, मैं रात को सरसों का तेल लगा के सोता हूँ, नाक के अंदर सरसों का तेल, थोड़ा यहाँ लगा दिया, थोड़ा यहाँ लगा दिया, और जो भी मेरा योगासन वगैरह जो भी करता हूँ, बट मेरे को 3 साल से जुकाम नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं कि इस तरह जुकाम, और आवाज़ मेरी और साफ़ होती जा रही है, क्लीन, साफ सुथरी आवाज़, पहले आवाज़ बहुत अटकती थी, तो ये सब ध्यान करने से, खाना ठीक खाने से, योगा करने से और ब्रीदिंग से, और ये जो सरसों का तेल भी लगाता हूँ, ये सब करने से आवाज़ भी सही हो रही है, अंदर की तो पूछो मत, अंदर जो फीलिंग्स हैं वहाँ तो बहुत चेंज मैंने महसूस किया है, कि मैं बहुत पॉजिटिविटी आ गई है लाइफ में, कोई भी चीज़ सिचुएशन हो उसमें मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहता, और मुझे हमेशा ग्लास भरा हुआ ही दिखता है, कभी खाली नहीं दिखता। और कुछ मनोज ने क्या पूछा है,
सर सुनने के लिए एक ही काफ़ी है, बस हम जैसे किसी एक ही लाइफ आपकी वजह से चेंज हो सके। हाँ ठीक है ना, सही बात है। अरे वाह, ललित भाई भी आ गए। क्या बात है ललित यार, आमिन की तेरे को देख के अपने पिथौरागढ़ के दिन याद आ गए। और तुमने वो पुरानी कुछ तस्वीरें डाली कुछ दिनों पहले, उसमें फिजिक्स एसोसिएशन वाली, उसमें आरसी पांडे सर के साथ, तो वो जो टी शर्ट मैंने उसमें पहनी हुई है, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं वो टी शर्ट पहन के कॉलेज जाता था, मुझे लगता था कि बस कॉलेज के बस मैं अकेला मैं ही दिखूँगा बस। वो टी शर्ट की बहुत याद थी। और अचानक तुम्हारी तस्वीर देख के, वो उसमें जो तुमने डाली उसमें देख के, वो टी शर्ट की मेरे को एकदम से याद आई कि यार वो टी शर्ट पहन के मुझे गजब लगता था, मतलब वो बहुत ही अच्छी यादें हैं उससे। तो ललित की बुलेट में बैठ के न जाने कितनी बार सवारी की है, और कितना सेफ महसूस करता था इसका इसका बुलेट चलाने का अंदाज जो है, एंड ही इज़ सो यू नो पावरफुल फिजिकली, सो यू फील वेरी सेफ। इसके पीछे बैठ के लगता था कि दुनिया को कुछ हो जाए बट हमें कुछ नहीं होने वाला। और इसके इसके घर जाके जो है थोड़ा सा बिगड़ने का काम भी इसके साथ किया, और कविताएं सुनते थे सुनाते थे, और दादी की जो होली की पार्टी होती थी उसमें सबसे पहले मैंने वही घर पे आया था, ललित के घर पे घर गया था। तो दादू ठीक होंगे ललित, है ना, दादू को मेरा प्रणाम करना, कहना भाई याद करना मेरी ओर से। तो अभी मेरा प्लान था इस बार आने का, लेकिन अभी तो आ नहीं पाया ये कोरोना के चक्कर में, बट ये ख़त्म होगा तो हो सकता है विंटर में चक्कर लगाऊँ तो मिलेंगे। तो और मुझे लगता है कि सर अच्छी बात है, हमारे पहाड़ के लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, उनको लगता है ये सब ऐसे बोल रहे हैं, सम पीपल ओनली कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर गाइडेंस। ओके थैंक यू लक्कीवीर सिंह जी, आपको चलो बातें समझ में आई, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी बातों से हमारी बातों से एक भी व्यक्ति अगर बदल जाए ना वो बहुत है, ज़रूरी नहीं कि पूरा संसार आपकी, एक व्यक्ति भी अपने में पूरा संसार है। आप आपने अगर कुछ बातें पॉजिटिव ली हैं तो मेरे लिए वही बहुत है। एंड माई पिथौरागढ़ से सर, ड्यू टू हैवी रेन इन पिथौरागढ़ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, सो लोग कम जुड़ पाए हैं लाइव। ओके नो प्रॉब्लम बड़ी, आप लोगों ने मौका दिया मुझे बात करने का, मैं बहुत एक बार पुनः आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि मोर ऑर लेस बातें हो ही चुकी हैं, कोई अगर सवाल पूछना चाहता है, अभी कुछ ज़्यादा लोग दिख रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं सवाल, मैं जाते जाते एक दो बातों का जवाब और दे सकता हूँ। मुंबई में भी शाम हो गई है, मुंबई का मौसम बहुत उमस भरा हो गया है आजकल। तो मैं अंत डिपार्टिंग नोट के रूप में मैं आप लोगों से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 7 महीने सेहत के साथ सूत्र दिए हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल माइंड फिट में आप देख सकते हैं, वहाँ और भी बहुत सारे वीडियोज है जहाँ मैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर की बहुत सारी मैंने बातें की, ये समझाया है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है और कैसे वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। फिटनेस को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और इस तरह के टिप्स की सुबह कैसे जल्दी उठ जाएँ, यू नो बहुत सारी पॉजिटिविटी से भरे हुए वीडियोज मैं बना के डालने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाएँ यूट्यूब चैनल में मेरा माइंड फिट में, तो वहाँ से आप चीज़ें पिक करें। जगजीवन कन्याल जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप तो मुंबई में ही हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपकी वजह से ये संभव हो पाया। और मैं माई पिथौरागढ़ की टीम को की बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस ढंग से सोचा कि एक पिथौरागढ़ के लोगों का इतना बड़ा ग्रुप उन्होंने क्रिएट कर दिया, इस ग्रुप को और भी बढ़ाओ और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होनी चाहिए। बहुत सारे पिथौरागढ़ के सुपर हीरोज़ हैं दुनिया में, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, देश विदेश में फैले हुए हैं, एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं, उनको आप इस मंच में जोड़ो, उनके लाइव शो कराओ। सब आम जो पिथौरागढ़ के लोग हैं उनको उनसे लाभान्वित होने का मौका मिलेगा, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका हम फ़ायदा उठाएँ, तो ये हमको करना चाहिए। मैं एनी टाइम कभी भी आपको लगता है कि मैं आप लोगों से बात करूं संवाद करूं तो ये तो शुरुआत है, इस तरह से हम आगे भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं
यूथ को बता सकता हूँ और यूथ को गाइड करने का काम कर सकता हूँ मैं। पिथौरागढ़ जब भी आऊँगा, मैंने नवल से बोला है, नवल रावल जो मेरा दोस्त है, कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार करवाया जहाँ पर कि मैं मेंटल फिजिकल और स्पिरिचुअलिटी पर आप यूथ से बात करना चाहूँगा, जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा है। यू नो पिथौरागढ़ ने हमारी परवरिश की, वहाँ से हम पढ़े लिखे, जो दिया पिथौरागढ़ ने दिया, तो उसके लिए जितना भी किया बहुत कम है, ठीक है। और एक बार आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माय पिथौरागढ़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आज का हमारी बातचीत है, रिकॉर्डिंग है, इसको कृपया सेव कर लें, सो दैट कि यू नो इसको मैं अपने अपने जो मेरे फेसबुक के लोग हैं उनके बीच भी शेयर कर सकूँ। एंड आई रियली विश यू ऑल ऑफ यू, सब लोगों के लिए बहुत ही कोरोना के टाइम पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने में सब नॉर्मल होने वाला है। आप लोग कृपया करके खुद से सोचिए कि ये सब जीवन सब चीज़ें जो है ठीक होने वाली है। जब आप सोचना शुरू करेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। आप वेट मत कीजिए किसी का कि दूसरा आदमी सोचेगा, आप खुद से सोचना शुरू कीजिए। आपके सबकॉन्शियस से अगर मैं, हाय जीवन भाई, जीवन चावला, ओके हाय सर, लॉकडाउन के बाद पहाड़ के लोगों और देश में क्या फ़र्क पड़ेगा आपके अनुसार? भाई देखो, बहुत सारी तो अभी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, लेकिन ये पहली बार लॉकडाउन नहीं हुआ है, पहली बार महामारी नहीं आई है। अगर आप इतिहास में जाओ, इससे बहुत बड़ी बड़ी महामारी आ चुकी है। 4-5 साल तक लोगों को महामारियों का मुकाबला करना पड़ा, झेलना पड़ा है। लाखों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भी लोग जो है मारे गए हैं महामारियों में, उसकी तुलना में ये इतनी बड़ी महामारी नहीं है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी महामारियां आके चली गई, तो ये भी चली ही जाएगी। अभी सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने जो परसों ही हम लोगों ने फ्रंट पेज पे छापा था कि उनके हिसाब से तो मई एंड तक जो है इंडिया से ये कम होने लगेगा, एंड बाय सितंबर तक जो है काफ़ी ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आप पॉजिटिव सोचिए। जब आप, हर आदमी ये सोचेगा कि यू नो कि ये चीज़ जल्दी ठीक होने वाली है, तो सारी जो फोर्स हैं, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, वो आपकी तरफ आ जाएंगी, अपने आप से काम होगा। बड़े सारे चमत्कार प्रकृति में हो, प्रकृति के पास ऐसी पावर है कि चमत्कार कर सकती है, तो वो चमत्कार तभी होंगे जब आप सोचोगे, पावरफुली सोचेंगे आप। तो हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस में ये मैसेज डालना चाहिए यू नो कि सब कुछ ठीक होने वाला है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड रियली पिथौरागढ़ की टीम को मैं एक बार, माय पिथौरागढ़ को मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। विश यू ऑल द बेस्ट, राइट, थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर।